और अखिल भारतीय जनता कांग्रेस फेडरेशन के
धन्यवाद जी। सभा में उपस्थित सभी सामान्य प्रबुद्ध जनों ने नमस्कार। सारे जजों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक भागा, कमिटी मेंबर जय चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन बोलता, आपका हार्दिक स्वागत है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे ऐसे व्यक्तित्व का परिचय प्रस्तुत करने का अवसर मिला जो जैन समाज की नहीं अभी तो राष्ट्र रत्न है, श्री नरेंद्र जी जय। श्री निरंजन जी जैन एक सामाजिक वैज्ञानिक है, आप प्रखर वक्ता हैं और आपके विषयों पर आधिपत्य रखते हैं। आप एमएसएमई के लाभों और सुविधाओं, व्यवसाय हेतु उपलब्ध ऋण की योजना में माइनॉरिटी के अधिकार एवं लाभ तथा जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मिलने वाले 10% आरक्षण आदि विषय पर देश में जागरण कर अनेक वर्षों से कर रहे हैं। श्री निरंजन जी जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई स्टार्टअप फोरम्स के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में चेयरमैन हैं। आप अनएम्प्लॉयड एंड टैलेंटेड युवाओं को उद्यमी बनाने व उनका एंटरप्राइजेस प्रारंभ करने के उद्देश्य उन्हें मार्ग रूप से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली द्वारा गठित जैन एडवाइजरी समिति के सदस्य हैं। श्री निरंजन जी जैन अखिल भारतीय संस्था भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के पिछले 7 वर्षों से सदस्य हैं और आप इस संस्था के माइनॉरिटी नॉलेज सेंटर के प्रभारी हैं तथा बीजेएस माइनॉरिटी मिशन के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। आप माइनॉरिटी विषय पर अध्ययन व शोध कार्य नियमित रूप से करते आ रहे हैं। आप राष्ट्रीय तथा सामाजिक विषय के लेखक हैं। विद्यार्थियों तथा युवाओं को मार्गदर्शन व सहायता के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। मैं दीपक भरा आपसे आग्रह करता हूं कि आप स्टेज पर आकर इस सेमिनार को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कृपा करें। थैंक यू लॉट दीपक, बहुत ही संक्षिप्त में सर्विस पूरी। मेरे ख्याल से अब हम सब कनेक्ट कर पाएंगे कि अगला सेशन जो हमको सुनने को मिलेगा वो हम सभी के लिए कितना लाभदायक होगा। इसी कड़ी को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज की दोनों संस्थाओं की ओर से स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जैन स्वतंत्र फेडरेशन की ओर से श्री नरेंद्र जी। विशेष आयोजन है जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट के सौजन्य से प्रकार अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन व चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मालवा चैप्टर का आज यहाँ पर संयुक्त एक आयोजन है। इस आयोजन में नीरज जी जैन साहब हमारे बीच पधार रहे हैं। आज एमएसएमई पर उन्हें हम सब सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मेक इन इंडिया का जो नारा है, जो सपना है, उसे एमएसएमई ने एक संभावना में बदल दिया है। हम सब आज उसे यहाँ पर निरंजन जी से सुनेंगे। यहाँ पर शहर के लगभग 25 से ज़्यादा सीए मौजूद रहेंगे और ये सब आने वाले समय में शहर की और समाज के लोगों को एमएसए के बारे में समझा करके अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ पहुँचाएंगे। आपका शुभ नाम बताएं। आपका शुभ नाम? नरेंद्र संचेती,
अध्यक्ष अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेकर विशेष एक उद्बोधन हो रहा है, उसके ऊपर बताएं कुछ। जो आज एमएसएमई का प्रोग्राम रखा गया है उसमें निरंजन जी जैन, जो एमएसएमई की भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं और एमएसएमई को जो बेनिफिट्स मिलेंगे सब्सिडी के, ब्याज इंटरेस्ट के या डेटर्स के इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट में रिबेट्स के, इन पर विभिन्न जो प्रोविजन्स हैं, प्रावधान हैं, और व्यापारी वर्ग इंडस्ट्री वाले उसका कैसा बेनिफिट ले सकते हैं उसको लेके आज व्याख्यान रखा गया है। इसमें इंदौर शहर के व्यापारी, उद्योगपति और आम जन जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सब सम्मिलित हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसका शहर को और व्यापारियों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपका शुभ नाम बताएं। नरेंद्र भंडारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेक्रेटरी अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन। आप सभी को आदर देते हैं, नमस्कार। ये इस माइक से आवाज ठीक आ रही है या इस माइक से ठीक? जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन और जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन मालवा चैप्टर की ओर से तथा मेरी वितरक संस्था एमएसएमई एंड स्टार्टअप फॉरम भारत की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पर ये जो है कार्यक्रम आयोजित किया, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ लोकल अथॉरिटीज़ को, समाज की, कि भाई अगर मेरी कोई सर्विसेज को आप यूटिलाइज कर सके समाज के हित में, ऐसा मेरी प्रार्थना रहती है। मैंने राजेश जी सेहरों से बात की थी, वीरेंद्र जी से की थी, और आज ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, उपस्थित भाइयों और बहनों। आज जैसा कि आपको सूचित किया गया है, जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं ये है अवेयरनेस वर्कशॉप। एक कार्यशाला है, ये कोई प्रवचन व्याख्यान नहीं है। बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस एमएसएमईज के क्या हैं, जो एमएसएमईज को मिलते हैं या एस्पायरिंग एमएसएमईज को मिल सकते हैं, या हमारे अब जो है बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी एमएसएमईज के क्या लाभ मिल सकते हैं आदि आदि, और विशेष रूप से क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ अधिकांश जैन समाज से हैं, तो हमारी जो बेटियाँ हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और अभी वो कहीं जॉब कर रही हैं, दे लुक फॉर जॉब, उसकी जगह जो है वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, इसके लिए जो है हमारा ये प्रयास आज के इस कार्यक्रम से होगा। साथियों, मेरे आज के प्रेजेंटेशन में मुख्य क्या क्या बातें हैं जिन पर मैं चर्चा करूँगा, आइए मेरे समझते हैं। स्कीम ऑफ लोन, बहुत सारी स्कीम्स अभी भारत सरकार ने जो है वो हमारे लिए उपलब्ध कराई हुई है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में हमें उसके बारे में जानकारी होती नहीं है। भैया वीडियोग्राफर साहब, मतलब ये जो है इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, मेरा चेहरा इतना सुंदर नहीं है, आप इस पर बीच बीच में आप जरूर एक आध मिनट करिए, ताकि ये जो वीडियो है आगे फ्यूचर में सर्कुलेट आप प्रॉपर तरीके से कर सकते। स्कीम्स ऑफ लोन्स, उसमें आज हम चर्चा करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। मैं समझता हूँ बहुत अधिकांश जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ग से यहाँ उपस्थित है, इस योजना के बारे में आप सब जानते ही हैं, लेकिन इसके लेटेस्ट अपडेट्स क्या है उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। मुद्रा लोन, सेकेंड लोन फॉर एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी एंड मुद्रा यूनिट्स, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, पीएसबी लोन्स इन 59minutes.com और जो रिसेंट में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जन समर्थ पोर्टल, इनके माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन लोन की कैसे की जा सकती है या की जाएंगी उसके बारे में चर्चा होगी, और स्कीम्स ऑफ लोन फॉर एस्पायरिंग एंड एग्जिस्टिंग एमएसएमईज, क्योंकि देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं, हर योजना हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो कौन सी योजना किसके लिए एप्लीकेबल है उसकी भी चर्चा करेंगे, और एमपी गवर्नमेंट की एक योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये भी बहुत अच्छी योजना है, इसके तहत भी लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी लोन की स्कीम जो है वो सिड भी प्रोवाइड करती है।
फिस्कल बेनिफिट्स, नॉन फिस्कल बेनिफिट्स, उन पर भी जो है चर्चा होगी। और इसके लिए हम एमएसएमई कैसे बने, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, इट इज नोन एज उद्यम रजिस्ट्रेशन। वो उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है और वो कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है जेम, जीईएम जेम, इट्स ए पोर्टल फॉर गवर्नमेंट बाइंग। अभी आप देखिए कि सारा सिनारियो कुछ वर्षों में चेंज हो गया है, अब जितनी भी सरकारी खरीद होती है वो जेम पोर्टल के माध्यम से होती है। और क्या आप लोग जेम पोर्टल का हिस्सा बन सकते हैं क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो उस पर हम चर्चा करेंगे और अंत में हम चर्चा करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, मध्य प्रदेश सरकार की या मध्य प्रदेश प्रशासन की एमएसएमई की क्या पॉलिसीज है और किस तरीके के इंसेंटिव दिए जाते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं उनमें यदि इंसेंटिव का रेट सर्वाधिक यदि कहीं है तो वो मध्य प्रदेश का है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं, या फिर वो भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके के बेनिफिट्स और मिलने चाहिए जो हमें नहीं मिल रहे हैं और दूसरे राज्यों में मिलते हैं। क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित कर रहा हूँ तो मैं ये भी अपेक्षा करूंगा आपसे कि इसको समझने के बाद, इन इश्यूज को समझने के बाद हम जो है ये तैयारी करें कि सरकार से क्या मांग रहे हैं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ईज ऑफ डूइंग, मतलब इट्स ए पंच लाइन, मतलब बहुत ज्यादा सुनते होंगे ईज ऑफ डूइंग, लेकिन इन फैक्ट क्या ईज ऑफ डूइंग हो रहा है क्या, और हो रहा है तो कितना हो रहा है या दूसरे राज्यों के अंदर कितना हो रहा है, उतना हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, उस पर भी यदि समय होगा तो चर्चा करें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिजनेस लोन से और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देखिए इसके जो है आकर्षण क्या है, इट्स ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी कुछ महापुरुष इसे जो है 2025 तक 26 तक के लिए इसको जो है प्रभावी कर दिया गया है। और इसका जो टोटल आउटले है 5 साल के लिए, राइट फ्रॉम 2021 to 2026, ये 13,554 करोड़ का जो है आउटले है। और ये इसके अंदर जो टारगेट है सरकार का कि आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर 4 लाख माइक्रो यूनिट्स जो है वो एस्टेब्लिश की जाएंगी और लगभग 30 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इसमें अट्रैक्टिव सब्सिडी मिलती है जो इस योजना का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इजी लोन प्रोसीजर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की होती है और पूरे देश में व्यक्ति कहीं भी रहता हो ये इस योजना के अंदर लाभ ले सकता है। ये दिस स्कीम इज मैनेज्ड बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का है। और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है वो इन टर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोन और वर्किंग कैपिटल जो जिसे हम कैश क्रेडिट फैसिलिटी कहते हैं उन दोनों के रूप में उपलब्ध होती है। इसमें अभी हमने सब्सिडी की बात की थी, ये जनरल कैटेगरी के लिए 15% सब्सिडी है यदि शहरी क्षेत्र का आवेदक है तो, और यदि ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक है तो 25% सब्सिडी है। मैं एक निवेदन जरूर आपसे करूंगा कि जो भी स्लाइड आपके इंटरेस्ट की हो उसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए, क्योंकि ये वीडियो तो हो रहा है, वीडियो आप तक जाएगा भी लेकिन वो कब आता है, लेकिन ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, शायद आपको जरूर इंटरेस्ट आएगा, इसको आप सेव कर लें। दूसरा, बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में आएंगे कि भाई इस पर क्लैरिटी चाहिए, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इंस्टीट्यूशन सारे जो है इसमें इंडिविजुअल्स के अलावा
अभी चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत सारे सेक्टर के लिए है। इसमें देखिए बहुत क्लियरिटी है इसके अंदर के ये सब्सिडी है, इसका मतलब ये जितना भी हम लोन ले रहे हैं उसके ऊपर ये सब्सिडी है और उतना अमाउंट जो है हमें नहीं भरना है। से फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख का लोन हम ले रहे हैं तो अगर रूरल सेक्टर का स्पेशल कैटेगरी का व्यक्ति है तो उसे 35% सब्सिडी मिल रही है, यानी 10 लाख के ऊपर उसे 3.5 लाख जो है सब्सिडी मिल रही है, उसका जो लोन अमाउंट होगा वो सिर्फ 6.5 लाख कंसिडर किया जाएगा। सो अभी स्पेशल कैटेगरी के अंदर देखिए इसमें कुछ और नए अपडेट्स आए हैं। वैसे सरकारी योजनाओं में स्पेशल कैटेगरी की डेफिनेशन स्कीम टू स्कीम वेरी करती है, और लेकिन यहाँ पर क्या है वो देखते हैं कि SC ST OBC ये तो स्पेशल कैटेगरी में हर स्कीम के अंदर होते हैं। माइनॉरिटीज, इसमें माइनॉरिटीज भी हैं जिसमें जैन कम्युनिटी भी शामिल हो जाती है, कोई भी वर्ग संप्रदाय धर्म की अगर महिला है तो वो स्पेशल कैटेगरी में है। एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, डिफरेंटली एबल्ड, एनी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अभी आप देखिए आपके मध्य प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में है। केंद्र सरकार की एक मतलब जो है वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की अलग से लिस्ट है, राज्य सरकार की अलग से लिस्ट है। तो यदि वहां का कोई आवेदक यदि आवेदन कर रहा है इस लोन के लिए PMEGP में तो वो भी स्पेशल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इस तरीके से ये जो सब्सिडी है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और अभी इसमें बहुत अमाउंट भी डबल कर दिया गया है, इसकी मैं चर्चा अगली स्लाइड में करने जा रहा हूँ। और इसमें मार्जिन जो है वो बहुत कम है, 10% और 5% क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 95% और 90% तक जो है लोन सेंशन हो सकता है इसके अंदर। इसमें देखिए ये अभी पिछले महीने ये 13 मई के आसपास जो है ये PMEGP को जो है रिवाइव किया गया है, पहले ये 25 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इसमें लोन सेंशन होता था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए या यूनिट्स के लिए 50 लाख रुपए तक की सीमा कर दी गई है। इसी तरीके से ट्रेडर्स या सर्विस सेक्टर के लिए पहले 10 लाख था, अब इसे 20 लाख रुपया कर दिया गया है। लेकिन यहाँ इसमें एक ड्रॉबैक जरूर है कि दिस इज प्योरली फॉर न्यू एंटरप्राइजेस, अगर एग्जिस्टिंग कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए ये योजना जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इसमें देश का कोई भी नागरिक हो 18 वर्ष से ऊपर का वो जो है इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। एज ग्रुप ऊपर हायर एज ग्रुप की कोई सीमा नहीं है, शिक्षा भी बहुत अधिक नहीं चाहिए। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपए से ऊपर का लोन ले रहे हैं या बिजनेस या सर्विस के लिए 5 लाख रुपए से ऊपर का लोन की आपकी एप्लीकेशन है, देन यू आर रिक्वायर्ड कि मिनिमम आपकी 8वीं कक्षा तक की एजुकेशन हो। यदि एजुकेशन इज नॉट एट ऑल ए पार्ट, इंस्टीट्यूशन सारे जो हैं इसमें इंडिविजुअल्स के अलावा जितने भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उन्हें भी ये लोन मिल सकता है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। अभी चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत सारे हैं जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, अभी जैसे अगर फेमस नाम लें एक ही तो लिज्जत पापड़ है। तो इस तरीके से ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी जो है इस योजना के तहत लोन का लाभ मिल सकता है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो खादी विलेजेड इंडस्ट्रीज कमीशन है और इनके खादी विलेजेड इंडस्ट्री बोर्ड के ऑफिसेज हर राज्य के अंदर हैं और एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इनकी ब्रांचेज हैं जहाँ संपर्क किया जा सकता है। अभी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये लोन देने का काम कर रहे हैं, तो ऑल दी पब्लिक सेक्टर एंड रूरल बैंक्स, एग्रो कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट शेड्यूल्ड बैंक और SIDBI, ये सारी जो है बैंक के लगभग 100 से अधिक बैंक जो है वो इस योजना के तहत जो है लोन देने का काम कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशंस पर यदि दृष्टि बात करें तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है जो अभी के हालात में 8-9% से लेकर 12-13% तक हो सकता है। रीपेमेंट जो है वो नेगोशिएट किया जा सकता है। कोलैटरल सिक्योरिटी जो है इट इज मस्ट, क्योंकि 10 लाख RBI नॉर्म्स के अनुसार 10 लाख से ऊपर जो है हमको कंपल्सरी कोलैटरल जो है प्रोवाइड करना है और ये 50 लाख रुपए तक की है, इसलिए इस योजना के तहत हमको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी एप्लीकेंट को, ये ध्यान रखना होगा। और जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोन देना एक अलग बात है लेकिन लोन लेने वाला व्यक्ति उसके एंटरप्राइज को सक्सेसफुली रन कर रहा है उसके लिए उसको क्रेडिट आवश्यक होती है, तो बिफोर द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन पहले उसको एक ट्रेनिंग लेना आवश्यक है जो 7 दिन से 15 दिन की होती है, वो
और वो सक्सेसफुली लेने के बाद ही जो है उसको लोन डिस्ट्रीब्यूट किया दिया जाता है। अभी एप्लीकेशन करनी है, देखिए अभी ऑलमोस्ट मैनुअली एप्लीकेशन करने का काम जो है वो पूरा हो गया है। अब सब जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन होती हैं। ये इसका www.kdicionline.gov.in ये इसकी पोर्टल है। इसके अलावा भी दूसरे पोर्टल है जिनकी चर्चा में आगे करूंगा, लेकिन ये मेन पोर्टल है। ये KVIC यानी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन का पोर्टल है। इसके माध्यम से लोन एप्लीकेशन प्रोसेस भी होती है। आपका जो आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया है उसका जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अप्रूवल भी हो जाता है। नो सुनर KVIC आपके एप्लीकेशन को आगे भेज देती है बैंक तक। जो बैंक या ब्रांच आपने ऑफ की है, आपने उसका ऑप्शन दिया, वहां तक ये जो मोस्टली आपकी एप्लीकेशन इट मीन KVIC हैज अप्रूव्ड योर प्रोजेक्ट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं मुद्रा लोन की। साथियों, वैसे तो ये माइक्रो फाइनेंस की योजना है, लेकिन क्योंकि हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में, आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये समझना या हमें उनको ये समझाना कि भाई आप इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं, इसलिए मैं एक शॉर्ट के अंदर ये योजना भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से ये योजना फेमस है। ऐसा सरकार क्लेम करती है कि कहीं भी किसी भी समय जो है किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं और आपको कठिनाई मुक्त वातावरण के अंदर लोन मिल सकता है। इसकी अगर इस योजना की पूरी जानकारी चाहिए तो BSBLoans59Minutes.com ये एक वेबसाइट है, इस पर जाकर आप पूरी जानकारी दे सकते हैं। बट दिस स्कीम इज प्योरली मीन फॉर माइक्रो फाइनेंस और इसमें सिर्फ 10 लाख रुपए तक के लोन मिलते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, जरा पानी की बॉटल ले लिया प्लीज। इसमें सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है ये, इसमें अगर घर के लिए लोन चाहिए तो भी इस योजना में मिलता है, बिजनेस के लिए भी है, पर्सनल कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से लोन चाहिए तो भी अवेलेबल है, और व्हीकल परचेस करना है चाहे कॉमर्शियल हो या पर्सनल यूज के लिए हो तो उसके लिए भी इसमें इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता है। इसमें भी आप देखिए कि स्मॉल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग यूनिट्स, सर्विस यूनिट्स, ट्रेडिंग सेक्टर, ये सब जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो 65 वर्ष से कम का है वो अप्लाई कर सकता है। जहाँ तक फर्म्स की बात है, प्रोप्राइटरी फॉर्म्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शॉपकीपर्स, ट्रेडिशन ट्रेडर्स, आर्टिसंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रोफेशनल्स आदि सभी जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के तहत। इसमें मुख्य तीन प्रोडक्ट्स हैं। शिशु, किशोर एंड तरुण, इस योजना के तहत तीन प्रोडक्ट्स हैं। शिशु, किशोर और तरुण, शिशु के अंदर सिर्फ 50,000 रुपए तक का लोन, जिसे क्योंकि ये योजना ही माइक्रो फाइनेंस की है, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए 50,000 रुपए तक का लोन शिशु प्रोडक्ट के तहत दिया जाएगा। किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक और तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का। शिशु के अंदर जो लोन ले रहे हैं माइक्रो फाइनेंस में उनको 2% इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है। यदि अगर उन्होंने लोन लिया है तो 2% ब्याज जो है केंद्र सरकार बैंक को आपके अकाउंट में पे करती है। इस तरीके का भी सिर्फ शिशु के लिए है वो। अभी देखते हैं इसमें ये भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए ये लोन मिलता है। इसमें प्रैक्टिकली योजना की जो फीचर्स है उसमें ये लिखा हुआ है कि मोर पोर्टल, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि बैंक इंसिस्ट करती है अगर 2-3 लाख रुपए से ऊपर का लोन है तो कोई भी बैंक जो है ये जरूर चाहती है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दी जाए या गारंटी इस तरीके से दी जाए। तो ये एक जरूर जो है बैरियर है लोगों को, छोटे 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 व्यापारियों को बहुत तकलीफ होती है उसके अंदर। प्रोसेसिंग चार्ज इसमें नहीं है और इसकी एक खास बात ये है कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस हो या मतलब एस्पायरिंग हो, दोनों के लिए आप जो है इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कुछ 18% के आसपास इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है और इसके अंदर देश की ऑलमोस्ट सभी संस्थाएं, फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, NBFCs एंड MFIs ये सभी जो है इस योजना के तहत ऑपरेट करते हैं, लोन देते हैं। इसके दो पोर्टल हैं, इन दो पोर्टल से एप्लीकेशन की जा सकती है। पहला है www.udyamimitra.in। ये udyamimitra.in जो है ये SIDBI की भी जो है वेबसाइट है या पोर्टल है, और दूसरा BSBLoans59Minutes.com। इन दोनों के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप बैंक के साथ तो बैंक भी सीधा एंटरटेन करता है उनको, हम जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन बैंक जो है
आपको बहुत लंबे समय तक जवाब नहीं देता है, ये एक ही चीज हमने देखी है। Whereas if the application is made through online, then they are bound to reply you within time limit. वो एक जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना चाहिए। और आने वाला समय जो है पूरा डिजिटल है, हमको आज जो जो है सूटेबिलिटी नहीं होती है ऑनलाइन की, लेकिन आने वाले समय में तो हमको यूज टू हो जाना पड़ेगा। Everyone has to go for everything digitally. तो ये जो है इसकी भी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही करें या करवाएं, मैं ऐसा निवेदन आपसे करूंगा। थर्ड स्कीम इज सेकेंड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग PMEGP एंड मुद्रा यूनिट्स, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और मुद्रा लोन के में एप्लीकेशन पहले की थी और उसका पेमेंट रीपेमेंट जो है टाइम से कर दिया था, तो वो लोग एक्सपांशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये इसके आगे फीचर देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यदि आप एक्सपांशन में जाना चाहते हैं आपके एग्जिस्टिंग यूनिट या एग्जिस्टिंग बिजनेस को, और उसके अंदर टेक्निकल अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन आदि आदि करना चाहते हैं, तो आपको इसमें लोन मिलेगा, प्रोवाइडेड यू आर ए वेल परफॉर्मिंग यूनिट। और इसके अंदर की सब्सिडी है जनरल के लिए 15% है और स्पेशल कैटेगरी में 20% है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को 1 करोड़ रुपए तक का लोन की लिमिट है और 25 लाख रुपए सर्विस यूनिट्स के लिए। थैंक यू। आप जो है एप्लीकेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और
और ये बिजनेस ग्रोथ के लिए खास करके बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है जिसमें बिजनेस एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, वर्किंग कैपिटल नीड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि उसके लिए भी जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसी के लिए लोन भी मिलेगा, मतलब थीमेटिक इस टाइम के अंदर नीड बेस्ड, अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ एडिशनल मशीनरी लगानी है, इक्विपमेंट्स लगाने तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की ये योजना है। अभी इसके आइए एक दूसरी देखिए, इसके अंदर PSBLoan59.com है, अभी तक जब से ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है 2,40,852 जो है लोन की एप्लीकेशन सेंक्शन हुई है, जिसकी वैल्यू जो है करीबन 81.690 करोड़ आएगी, और ये अभी तक इसमें 2,23,000 के आसपास लोन डिस्पर्स हो चुके हैं, पैसा दिया जा चुका है, जिसकी वर्थ जो है वो 66,000 करोड़ के आसपास है। तो ये PSBLoan59.com, मैं समझता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसको यूज करते हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। आप कैसे टिप्पणी दें कोई एप्लीकेशन आपके क्लाइंट ने इस प्लेटफॉर्म से लगवाई है? गुड गुड गुड। अभी रिसेंट में लास्ट मंथ एक न्यू पोर्टल नोन एज जन समर्थ, ये अभी पिछले महीने ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। ये बहुत मल्टी फंक्शनल पोर्टल है, और मैं समझता हूँ कि अभी एक शिकायत रहती थी कि बहुत ज़्यादा हमको जो है पोर्टल के माध्यम से वो सुविधाएं नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए, सरकार के वो फोकस में है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है जैसे कहते हैं वैल्यू एडिशन हुआ है। अभी पिछले पोर्टल कौन से चालू रहेंगे या बंद रहेंगे, बंद हो जाएंगे आने वाले समय में, वो तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट जन समर्थ जो है आइए उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसके अंदर देखिए ये बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर अपन जाते हैं, देखिए कर्सर मेरा जो है ये चार कैटेगरीज इसमें कवर की गई है। एजुकेशन लोन विद्यार्थियों के लिए खास कन्वे करने जैसी चीज है कि अगर आपको लोन लेना है एजुकेशन पर तो आपकी एप्लीकेशन इसी जन समर्थ से लगनी चाहिए, समाज के विद्यार्थियों को ये मैसेज हमारा होना चाहिए। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, थर्ड बिजनेस एक्टिविटी लोन, एंड फोर्थ इज लाइवलीहुड लोन। अभी हम बिजनेस एक्टिविटीज लोन की बात करेंगे, इसके अंदर 6 स्कीम है, और कुछ स्कीम्स वो है जिनकी मैंने अभी आपसे चर्चा की, जिसमें ये पहला है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और दूसरा देखेंगे तो आप ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की है, और लास्ट में आप आइटम नंबर 6 देखिए नीचे, ये स्टैंडअप इंडिया स्कीम, ये स्टैंडअप इंडिया स्कीम की मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, ये MSMEs के लिए ये योजना है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये नया पोर्टल आया है, उसको दिस शुड रिमेन इन आवर फोकस, केवल इसके माध्यम से भी एप्लीकेशन की जा सकती है, और इसके अंदर ये मल्टी फंक्शनल पोर्टल बनाया गया है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। इसको मैं चाहूँगा आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको कल ही जो है कल संडे है जन संपर्क डालेंगे आप गूगल पर तो खुल जाएगा, इसको पढ़ लीजिए इंटरेस्टिंग है। हाउ टू अप्लाई, करंटली देर आर 4 लोन कैटेगरीज अंडर ईच कैटेगरी, और इसके लिए आप जो है ऑनलाइन में जाएंगे और इसको जो है एक आपसे एलिजिबिलिटी कंफर्म करेगा ये पोर्टल जो है, जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी कंफर्मेशन के लिए कुछ फिगर्स आपको डालनी होगी आपकी पर्सनल, और जैसे ही आपको डालते हैं और आपका कंफर्मेशन आ जाता है देन यू कैन प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन। साथियों अभी हम बात करेंगे कुछ लोन की स्कीम्स और हैं जिनकी मैं आगे चर्चा करूंगा, जब मैं सिडबी की बात करूंगा या मध्य प्रदेश प्रशासन की बात करूंगा तो कुछ लोन स्कीम्स की हम बात और करेंगे, और MSME में भी कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है योजना है CGT MSE और स्टैंड अप इंडिया, उसकी भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए MSME पर अब शुरुआत करते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग, ओके थैंक यू। साथियों जैसे तो आप में अधिकांश लोग युवा साथी हैं सब, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ वो 1960 के आसपास देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी लगना शुरू हुई, और उस समय एक डिपार्टमेंट हुआ करता था स्मॉल एंड कोटेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, मैं समझता हूँ कि नाम आपने आप में से काफी ने सुना होगा उसका, और ये उस डिपार्टमेंट ने काफी जो है काम किया देश में, कई दशकों तक काम किया। ये इस डिपार्टमेंट का कायाकल्प 2006 में किया गया और इसको नाम दिया गया MSME।
एम एम मीन्स एम फॉर माइक्रो एस फॉर स्मॉल एंड अगेन एम फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस और उद्यमी या उद्योग जो भी अपन समझते हैं ये जो है इसकी अर्थ है इसका। और ये इसका एक एक्ट आया 2006 के अंदर जिसे एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 नाम दिया गया। इसके बाद से जो है इस सेक्टर में बड़ी जबरदस्त प्रगति भी की और आज जो है वो देश की इकोनॉमी का बैकबोन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज सरकार भी कहती है और हम भी समझ रहे हैं कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो देश की इकोनॉमी की बैकबोन है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही ये बैकबोन है, किसी भी देश की इकोनॉमी में एमएसएमई ही जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए ये अपने देश का बहुत ही वाइब्रेंट और डायनेमिक सेक्टर है, गतिशील जो है क्षेत्र है और ये ग्रोथ इंजिन है, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। और देखिए कितना इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, अप्रोक्सीमेटली जीडीपी के अंदर ये 30% इसका कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट में 48% है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर 40%। अभी देखिए हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट यदि कोई सेक्टर करता है तो वो एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड सेक्टर जो है वो एमएसएमई है। और देखिए इसके अंदर अभी 4 जुलाई 2022 मेरा कर्सर यहाँ देखिए ये मिनट डेट आइए 4 जुलाई 2022 यहाँ तक लगभग 93,94,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं एमएसएमई के अंदर। आप कहेंगे कि अभी तक इतने सालों से 2006 से लेकर के अभी तक इतने ही हुए हैं और क्या हमारे यहाँ इतनी ही इंडस्ट्रीज हैं, तो उत्तर है नहीं। लेकिन जो अभाव है, मैं अभी ये इनसे बात कर रहा था, एक भाई हमारे लेने आए थे मुझे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये काफ़ी उन्होंने मुझसे चर्चा की, इनके भाई ने भी चर्चा की। प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस है, अवेयरनेस जो है वो नहीं है, उसका ये कारण है आज ये 10 करोड़ के आसपास रजिस्ट्रेशन होने चाहिए थे। कहाँ होंगे रजिस्ट्रेशन वो एक अलग इशू है, वो मैं आगे चर्चा में लूंगा। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन चाहे वो माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लगभग क्योंकि पिछले साल बिजनेस कम्युनिटी को भी या ट्रेडर्स को भी एमएसएमई में कवर किया, उसके बाद वो स्पान बहुत बड़ा हो गया। पुरानी रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 6.5 करोड़ के आसपास जो है वो एमएसएमई देश के अंदर ऑपरेट कर रही है, दे आर इन एक्शन। लेकिन हमारे पास जो है आज की तारीख में भी ये सिर्फ 93 या 94 लैक्स के आसपास रजिस्ट्रेशन है, दैट इज वेरी पेनफुल। देखिए एक बात है कि सरकार यदि कोई भी प्रावधान लाती है तो उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कोई भी स्टेटिस कलेक्ट की जा रही है या कोई प्रावधान किया गया है तो उसके पीछे ये है कि सरकार आने वाले समय में क्या प्लानिंग करे, किस तरीके का बजट बनाए, कहाँ आवश्यकता है। लेकिन हमारे देश के लोग या हम लोग उतना जो है इन सब चीज़ों को तहरीज नहीं देते हैं जो देना चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एमएसएमई के अंदर दो तरीके के सेक्टर्स हैं, आइदर मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा सर्विस सेक्टर। अभी सर्विस सेक्टर के अंदर कोई भी इंडिविजुअल अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर कर सकता है, डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है वो कर सकता है, अगर प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, लॉयर कर सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको इसके अंदर एज ए सर्विस सेक्टर उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या करवाना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी। तो मैं तो एक निवेदन यहाँ ये भी करूँगा राजेश जी, आप जैसे व्यक्ति को लीड लेनी चाहिए, एटलीस्ट हम ये तो प्रयास करें कि हमारी कम्युनिटी ने ये रजिस्ट्रेशन 100% कर दी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो हमें समझना ही होगा, अदरवाइज ये फिगर कभी भी जो है पूरा नहीं होगा। दूसरी बात, अभी तक सरकार जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रही, लेकिन अब स्ट्रिक्ट हो रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कल का ही मेरे घर का एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा बेटा मेरे पास आया, वो बोला कि जो है बैंक ने KYC जो है कंपलसरी कर दिया है, जितने भी करंट अकाउंट्स हैं बैंक में, जितने भी करंट अकाउंट्स हैं वो अगर उनका KYC नहीं हुआ है तो उनको फीस कर दिया है। बोले पहले KYC करवाओ उसके बाद आप। तो मैंने कहा भाई क्या करना है इसमें, वो बोला कि बोल रहे थे कि रजिस्ट्रेशन करो, आपका जो है GST नंबर चाहिए। अब मेरे बेटे का काम ऐसा है उसको GST नंबर नहीं लगता है, वो सर्विस सेक्टर में उसको जरूरत नहीं है।
तो मैंने कहा भाई उद्यम में रजिस्ट्रेशन कर दो, तो जो है कल उद्यम में उसका रजिस्ट्रेशन किया। और आप सरप्राइज करेंगे, रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी आज भी 10 मिनट के अंदर पूरी हो, मतलब इतनी सिंपल तरीके से जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है। जो थोड़ा व्यक्ति थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर से यूज हुए वो आराम से उसको कर सकता है। नो इन्फॉर्मेशन इज एट ऑल रिक्वायर्ड, सिर्फ आपका आधार नंबर चाहिए और यदि आपका पैन नंबर है। एवरीथिंग इज स्क्रूटनाइज, सब स्क्रीनिंग हो जाता है विद इन 5 मिनट्स, सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमें भी समझना चाहिए। और मैं जैन समाज के व्यक्तियों से खास बोलता हूँ, देखिए सब जैन समाज के लोगों को बहुत, मतलब हम कहीं भी जो है समय के साथ चलना नहीं चाहते। एक बात, हम जो है अपने में ही खुश हैं, लेकिन हमें समय के साथ बदलना होगा। और जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, एक बहुत जो है पॉपुलर कहावत है कि वो लोग फेंक दिए जाते हैं। तो मतलब वो सिचुएशन यदि हम ही खड़ी करेंगे समाज के लोग, समाज के लिए, तो वो कहीं उचित नहीं है। इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए पहले उद्योग आधार हुआ करता था और उद्योग आधार की अपनी एक डेफिनेशन थी, लेकिन अब वो बदलकर जो है इसे उद्यम कर दिया गया है। और जितने भी उद्योग आधार में रजिस्टर्ड थे उन्हें भी जो है उद्यम में फिर से रजिस्टर करना है। और उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि 1 जुलाई 2020 से ये MSME की जो नई परिभाषा आई है वो क्या है या क्लासिफिकेशन है, तो आप उसे समझते हैं। माइक्रो अब इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये पहले जो है बहुत कम हुआ करता था, अब इसे 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी है, ये मतलब SCFC कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपकी यदि 1 करोड़ तक है तो आप माइक्रो के अंदर आ रहे हैं। ऐसे ही स्मॉल के अंदर यदि 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पे है तो आप स्मॉल में आ रहे हैं, और 50 करोड़ रुपए तक का यदि इन्वेस्टमेंट है तो आप मीडियम में आ रहे हैं। अभी पिछली परिभाषा में जो उद्योग आधार की थी उसमें टर्नओवर शामिल नहीं था, अभी इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इसमें जो है टर्नओवर का भी क्लोज डाला गया है। माइक्रो यदि 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर करता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो वो इसमें रहेगा, लेकिन यदि 5 करोड़ से 1 रुपया भी ऊपर हो गया किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तो दे विल ग्रेजुएट टू स्मॉल। ये जो है इसकी स्पेशलिटी है, वो क्यों है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। इस तरीके से स्मॉल के लिए टर्नओवर 50 करोड़ रुपया है और मीडियम के लिए ये जो है 250 करोड़ रुपया है। राकेश जी सॉरी, अपन सारी बात जो है बाद में करेंगे। अभी इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि पहले सर्विस सेक्टर के लिए डेफिनेशन अलग हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर्स के लिए जो है डिफरेंशिएशन कोई डिफरेंस नहीं लगा, एक ही परिभाषा है। अब आइए कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ यहाँ अभी MSME कितने बैठा है जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस में। ओके ओके, वेरी गुड, काफी संख्या में है। देखिए ये एक स्कीम की मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए हम कुछ भी प्लानिंग करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री डालनी हो या सर्विस यूनिट में जाना हो या बिजनेस करना हो, फाइनेंस इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड। ओके, वो सबसे पहली जरूरत है। तो आज जो सरकार ने जिस चीज को समझा बहुत अच्छी तरीके से वो ये है कि हमारे युवा साथी जो बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो कहीं अपने एंटरप्राइजेस खड़े कर सकते हैं। और उनके साथ सामने जो सिचुएशन है वो फाइनेंस की है, हर किसी व्यक्ति के सामने हो सकती है। जरूरी नहीं है कि चाहे वो एक समृद्ध परिवार से हो तो उसको भी लोन लेने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम जो कहाँ आती है, बैंक कहता है सिक्योरिटी लाइए, आप कोलैटरल दीजिए, तो वो जो है वो व्यवस्था नहीं बना पाते हैं। हमारे जैन समाज में भी जो है हम सोशल एरिया में एक जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं कि पिताजी जो है वो बेटे को पैसा तो नहीं देते, उनको डाउट जाता है कि ये गड़बड़ करेगा या मतलब जो है सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो मतलब ये सिचुएशन सब जगह है, तो सरकार ने ये व्यवस्था कर दी कि आपके पास कोलैटरल देने को नहीं है, गारंटी नहीं दे सकते, इवन देन आपको 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है, प्रोवाइडेड योर प्रोजेक्ट इज वायबल
और जो है वो स्केलेबल है। तो ये स्कीम का नाम है कैलकुलेटेड गारंटी स्कीम ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल। अभी पहले हमने तीन कैटेगरी जो है डिस्कस की थी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, लेकिन ये योजना जो है वो माइक्रो और स्मॉल के लिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बहुत अधिक लाभ जो मिल रहे हैं वो माइक्रो और स्मॉल यूनिट को मिल रहे हैं। अभी इसमें जो फीचर्स है इसके वो 100% फॉलो करती, ये तो ठीक है फीचर है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है 25% मार्जिन है। गारंटी कवर जो सरकार का है वो 75% है, बट इट्स ए बिग यूज। और इसके अंदर जितनी भी दूसरी फैसिलिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि सीजीटी एमएससी में लोन ले लिया है तो बाकी के लाभ नहीं मिलेंगे। जो दूसरों को लाभ मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स, एग्जेंप्शंस, सब्सिडीज, वो सारे के सारे इसमें भी एप्लीकेबल रहेंगे। और देखिए, इस योजना के तहत 2021 तक लगभग 55,000 करोड़ रुपए के लोन सेंक्शन या डिस्बर्समेंट हो चुका। अब इसमें देखिए इसकी पंच लाइन क्या है, यदि आप ये रेडिंग में जाएंगे तो लिखा है इनेबलिंग जॉब सीकर टू बिकम जॉब प्रोवाइडर। ये जो है सरकार की नीति है कि आप सिर्फ जो है नौकरी ना करें, आप खुद का व्यापार करें, बिजनेस डालें, यूनिट डालें, और जो है कुछ लोगों को आप एम्प्लॉय करें, ये बहुत जरूरी है। और इसके अंदर यदि आपके पास कोई प्रावधान नहीं है कोलैटरल देने का या सिक्योरिटी देने का तो भी आप लोन ले सकते हैं, यदि गारंटी आप पार्शल दे सकते हैं तो भी वो अलाउड है। इस तरह की ये योजना फ्लेक्सिबल योजना है। साथियों, तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसमें बिजनेस को रन करने के लिए या इंडस्ट्री को रन करने के लिए, जिसके पहले हमने चर्चा भी की कि मनी इज रिक्वायर्ड, ओके। और सरकार ने उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इतनी सारी स्कीम्स हैं उनमें से आप कुछ भी ऑफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ योर यूनिट। लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए जो कंपोनेंट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं या फंडामेंटल्स हैं वो ये है कि एक तो आपकी लिक्विडिटी मेंटेन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिक्विडिटी मेंटेन नहीं है इसका मतलब ये है कि वो यूनिट सिक हो जाएगी बंद। और हम सब देखते हैं क्योंकि अभी जमाना पूरा बदल गया है, बिजनेस सारा ग्लोबल हो गया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, क्वालिटी एवरीथिंग हैज टू बी मेंटेन, और छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो है लिक्विडिटी कैसे मेंटेन हो, आई उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मार्केट, अगर आपके हाथ में मार्केट है तो आप जो है बिल्कुल सक्सेसफुली बिजनेस रन कर सकते हैं। तो वो सरकार जो है आपको लिक्विडिटी भी मेंटेन करने की जो है वो पूरी सहूलियत प्रदान कर रही है और साथ में आपको मार्केट भी देती है। इस तरीके का जो है अब सिनारियो है, देखिए ये सिनारियो आज से 10-20 साल पहले नहीं था, अभी इतना चेंज हुआ है वो हमें भी समझने की आवश्यकता है। और इसको हम एंगेज कैसे कर सकें इन द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, तो वो बहुत आवश्यक है। आगे देखिए, वेवर इन सिक्योरिटी डिपॉजिट इन गवर्नमेंट टेंडर्स। अभी गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स निकलते हैं, फ्रॉड होते हैं, उसके अंदर माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या होगा कि सर्टन अमाउंट इज फ्रीज फॉर ए सर्टन ड्यूरेशन, तो वो जो है मतलब छोटी यूनिट के लिए बहुत तकलीफ का काम होता है। तो सरकार ने ये कह दिया है कि माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए किसी भी तरह का अर्नेस्ट मनी जो है उनको डिपॉजिट नहीं करना है व्हेन दे आर सबमिटिंग द टेंडर। एक चीज तो ये हुई, और इसके अंदर और भी दूसरे एडवांटेजेस हैं। और दूसरा, डिलेड पेमेंट प्रोटेक्शन। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु जितने भी हैं, बेटा मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि क्वेश्चन सबके हैं और अगर हम एक बार क्वेश्चन पे घुस गए ना तो ये यही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। वेयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गैदर टुडे, और क्वेश्चंस के लिए बाद में आप जितना भी कहेंगे, रात को अगर आप 11 बजे तक भी 12 बजे तक भी आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा जहां तक हो सकेगा। है सॉरी फॉर दैट। डिलेड पेमेंट प्रोडक्शन, अभी देखिए आप माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स ने यदि गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, मिनिस्ट्रीज हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, उनके अंदर या फिर लिमिटेड कंपनीज में भी यदि माइक्रो और स्मॉल यूनिट ने कोई माल सप्लाई किया है तो देट इज प्रोटेक्टेड अंडर 45 डेज पेमेंट प्रायोरिटी। ये जो है मतलब ये सरकार के इसमें बहुत कड़क नियम है जिसको वो पालन करवाने का भी प्रयत्न करती है। लिमिटेड कंपनीज के केस में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू वेरीफाई कि दैट पेमेंट्स हैव बीन मेड विद इन 45 डेज, एम आई राइट? है ऐसे ही ना? हाँ, और मतलब अगर इंटरेस्ट पे किया है, लेट पेमेंट किया है तो
ट्रेड रिसीवेबल्स की डिस्काउंटिंग सिस्टम यानी ट्रेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी इनवॉइस को नेक्स्ट डे भी एनकैश करा सकते हैं। पेमेंट का तो इसका थारो रिपोर्ट में और कर लिया जी, पेमेंट का थारो रिपोर्ट में और कर लिया आपके पास लिमिटेड जी। तो ये इस तरीके से ट्रेड रिसीवेबल में अभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसी तरीके से आप जो है अपनी इनवॉइस को डिस्काउंट करा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं कह रहा था कि मार्केट किस तरीके से आपको बना के दिया जा रहा है, उसको देखिए कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स, अभी सरकार की कोई भी खरीद क्रय परचेज अभी हमारे देश में यदि कोई भी सबसे बड़ा बायर है तो वो सरकार इटसेल्फ है। मतलब हम जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन, इतना बड़ा जो है सरकार का बजट होता है और वो खरीदी जो होती है वो उसमें 25% आउट ऑफ टोटल बाइंग ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की हो, 25% ऑर्डर हैज टू बी प्लेस्ड टू माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स, ये कंपलसरी है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोअर फर्स्ट से भी 15% तक सब्सिडी है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और अभी इसमें बहुत अमाउंट भी डबल कर दिया गया है, इसकी मैं चर्चा अगली स्लाइड में करने जा रहा हूँ। और इसमें मार्जिन जो है वो बहुत कम है, 10% और 5% क्लोजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 95% और 90% तक जो है लोन सेंशन हो सकता है इसके अंदर। इसमें देखिए ये अभी पिछले महीने ये 13 मई के आसपास जो है ये PMEGP को जो है रिवाइव किया गया है, पहले ये 25 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इसमें लोन सेंशन होता था, ट्रेडर्स या सर्विस सेक्टर के लिए पहले 10 लाख था, अब इसे 20 लाख रुपया कर दिया गया है। लेकिन यहाँ इसमें एक ड्रॉबैक जरूर है कि दिस इज प्योरली फॉर न्यू एंटरप्राइज, अगर एग्जिस्टिंग कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए ये योजना जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इसमें देश का कोई भी नागरिक हो 18 वर्ष से ऊपर का वो जो है इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, एज ग्रुप ऊपर हायर एज ग्रुप की कोई सीमा नहीं है, शिक्षा भी बहुत अधिक नहीं चाहिए। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपये से ऊपर का लोन ले रहे हैं या बिजनेस या सर्विस के लिए 5 लाख रुपये से ऊपर का लोन भी आपके लिए करना है, आपका टेंडर ऊपर है, रेट ऊपर है तो आपके साथ नेगोशिएट किया जाएगा और अगर आप नेगोशिएट में सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपको ही वो ऑर्डर दिया जाएगा, इस तरीके की भी प्रावधान कर दिए हैं। दैट इज नोन एज 15% वेटेज इन प्राइस प्रेफरेंस फॉर माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स। सो आई होप इट इज क्लियर। मतलब आप देखिए कि जो एक यूनिट को चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए, लिक्विडिटी मेंटेन चाहिए या फिर मार्केट चाहिए, ये तीनों चीजें जो है सरकार आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रही है, जिसे हमें भी समझने की आवश्यकता है। साथियों इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव स्कीम, ये ट्रेड फेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के अभी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में जाइए या नेशनल ट्रेड फेयर्स में जाइए तो इसमें बहुत सारी सब्सिडीज हैं। इस तरीके जैसे अगर आप विदेश में जा रहे हैं तो इवन एयर फेयर भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, इस तरह की फैसिलिटीज हैं, वो स्कीम है, इसको भी पूरा बढ़ा जा सकता है। और स्टैंडअप इंडिया स्कीम, स्टैंडअप इंडिया स्कीम के तहत जैसा मैंने अभी कहा था कि लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है, ये भी माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए है। और इसमें खास बात ये है कि हमारे देश की कोई भी बैंक, उसकी कोई भी सिटी में जितनी भी ब्रांचेस हैं, से फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की पूरे देश के अंदर जिस जिस शहर में गांव के अंदर जितनी भी बैंक या ब्रांचेस हैं, एवरी ब्रांच हैज टू सैंक्शन 1 लोन अंडर स्टैंडअप इंडिया स्कीम टू 1 SC/ST अदर वुमन, मतलब 3 कैटेगरी SC/ST और वुमन, ये एंटरप्राइजेस को मिनिमम साल में 1 लोन तो उनको हर ब्रांच को देना है। और इसमें लिमिट है मिनिमम 10 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए और 1 करोड़ तक, तो इसके अंदर जो है ये हमारी महिला आचार्य
महिलाओं में कोई मर्द कैटेगरी नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में तो है, लेकिन महिलाओं के लिए फ्री है। महिला चाहे वो किसी भी वर्ग जाति धर्म संप्रदाय से हो, वो इस योजना के तहत लाभ ले सकती है। और आइए इसके फीचर्स देखते हैं। ये स्कीम जो है 2021 में आई, इसका 10,000 करोड़ का बजट है, 2,50,000 नोट सेंक्शन करने की योजना है आने वाले 36 महीनों में, जिसमें 12 महीने निकल चुके हैं, और इसमें 10,00,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। 7 साल के अंदर रीपेमेंट होगा, मॉरिटोरियम पीरियड 18 महीने का है, और इसमें जो अट्रैक्टिव फीचर है वो ये है कि नेक्स्ट 3 ईयर तक इनकम टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है 100% और 80% रिबेट इन पेटेंट एप्लीकेशन। अभी देखिए पेटेंट एप्लीकेशन की अपन बात करेंगे, लेकिन उसमें 50-60% के आसपास मिलता है, लेकिन यहाँ जो स्टैंडअप इंडिया के अंदर अगर अपना पेटेंट रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो जो सब्सिडी है वो 80% तक है, और ये सिडबी के माध्यम से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। ये स्टैंडअप मित्र .in के माध्यम से, ये चाहे तो नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके माध्यम से एप्लीकेशन हो सकती है। और देखिए इसमें महिलाओं को कितना बेनिफिट मिला है, ये 17 फरवरी 2020 का मेरे पास फिगर है कि 81% बेनिफिशियरीज अंडर दिस स्कीम वर वुमन। ये जो है खास बात है। तो और हमारे जैन समाज की यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि हमारी बेटियाँ तो बहुत पढ़ रही हैं भाई, सिर्फ हमें उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है कि खुद का कुछ करिए, और इतनी फैसिलिटीज मिल रही है जिनको हमें कहीं अवेयर ऑफ करना चाहिए। साथियों इसके अलावा अगर देखें कुछ मेजर बेनिफिट्स में तो कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी है। अभी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको मिनिमम जो है 50 पैसे से लेकर 1.5 रुपये तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, इस तरीके का बेनिफिट मिल रहा है। सब्सिडी और बारकोड रजिस्ट्रेशन रीएम्बर्समेंट फी, ISO सर्टिफिकेशन है वो 9,000 से लेकर 14,000 की, कोई भी ISO सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो उसमें जो है रीएम्बर्समेंट होता है। पेटेंट्स चाहे वो नेशनल पेटेंट्स हों, इंटरनेशनल पेटेंट्स हों, अभी इंटरनेशनल पेटेंट्स तो आप देखिए कि अगर अलग अलग देशों में करना है तो सबको अलग अलग अप्लाई करना होता है, कॉमन नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कि लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर ए माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट, वो कैसे मैनेज करेगी, तो आप देखिए कि कोई 25-30 लाख रुपये तक का भी जो है इसके अंदर सब्सिडी मिलने के प्रावधान है या दिए जाते हैं, इस तरीके का इतना जो है व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम, ये जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले पुरानी जो है वो टेक्नोलॉजी पर चल रही है, अब वो सर्वाइव नहीं कर सकती बिकॉज इट्स ए टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन क्वालिटी एंड एवरीथिंग। तो उनको जो है किस तरीके से अपने आप को बदलना है, कैसे उनका जो है वो एक्सपेंसेस कट ऑफ हो या मतलब वेस्टेज कंट्रोल हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हो, उसके लिए जो है ये स्कीम है। इसके तहत कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाती है और कंसल्टेंट की जो फीस है वो भी जो है इसमें 50% या 60% जो MSMEs को रीएम्बर्स होती है। इसके अलावा सेट सर्टिफिकेशन जिसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी कहते हैं, उसकी भी 3 कैटेगरी है, ब्रॉन्ज सिल्वर और गोल्ड, वो अप्लाई करने के लिए जितनी फीस लगती है वो फीस में भी रीएम्बर्समेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्कीम तो कुछ सालों से चल रही है लेकिन MSMEs प्रैक्टिकली फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर दिस स्कीम, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रही, तो उसको जो है अभी बहुत ईज किया है। अभी लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर सर्टिफिकेट प्राप्त करना बहुत ईजी हो गया, उतना टफ नहीं रहा है। दूसरी बात, अगर ये सर्टिफिकेशन है तो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज, मतलब दिस इज ए ब्रांड एक तरीके का, हमें तो अगर आपके पास क्वालिटी सर्टिफिकेशन है या ये जेड सर्टिफिकेशन है तो वो मीनिंग रखता है, एक्सपोर्ट के अंदर भी उसकी जो है बहुत बड़ी वैल्यू है। इसके अलावा जब हम अप्लाई करते हैं लोन के लिए या बाद में भी जरूरत पड़ती है एग्जिस्टिंग यूनिट्स को भी यदि एक्सपांशन में जाना है, लोन लेना है, तो पहले तो क्रेडिट रेटिंग करवानी होती है। आप सब समझते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु, तो इसके अंदर NSIC या और दूसरी समझ लीजिए, जरूरी नहीं है NSIC, सिडबी हो सकती है, क्रिसिल है, आईग्रा और भी बहुत सारे जो है एजेंसीज हैं, उनकी जो चार्जेस हैं या उनकी जो फी है वो भी रीएम्बर्स होती है, इस तरीके के प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए हैं। आइए एक ये स्कीम है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये स्कीम जो है एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए है जो आज से पहले लगी है, और जैसा मैं अभी कह रहा था कि सबको जो है टेक्निकल अपग्रेडेशन में जाना जरूरी है अगर सर्वाइव करना है, तो सरकार ने टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़ तक के लोन की सीमा रखी,
अगर 1 करोड़ तक का लोन आप ले रहे हैं और टेक्निकल अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन इस तरीके का कुछ भी कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो उसके लिए जो है 15% यानी 1 करोड़ के लोन तक 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। इसमें 51 ऐसे सब सेक्टर्स हैं या अप्रूव प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए ये सब्सिडी अवेलेबल है, जिसको समझा जा सकता है www.dcmsc.gov.in पर जाकर आप ये स्कीम को पढ़ सकते हैं, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो यूनिट्स चाहें तो एप्लीकेशन कर सकते हैं टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए। ये अगर ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो ये पिछले साल में ये एप्लीकेशन ये योजना जो है इसकी अवधि निकल चुकी है, लेकिन इसके जो योजना है उसमें जो आउटले था वो 2,360 करोड़ रुपए का था और योजना में ये लिखा हुआ है कि जब तक ये 2,360 करोड़ रुपया एग्जॉस्ट नहीं होता पूरी तरह के एब्जॉर्ब नहीं होता तब तक ये योजना ओपन रहेगी। तो आज की तारीख में भी ये योजना ओपन है और इसका लाभ आज भी लिया जा सकता है और बड़ा सिंपल है। आपने टेक्निकल अपग्रेडेशन कर लिया उसके बाद जो है आपका जो जिस बैंक से आपने लोन लिया उनके माध्यम से ही आपको जो है ये एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है 15% सब्सिडी के। अभी और भी बहुत सारे देखिए हमारे यहाँ जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं डिपार्टमेंट हैं हर मिनिस्ट्री हर डिपार्टमेंट की अपनी स्कीमें हैं, वो जो है एमएसएमईज को प्रमोट करना चाहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जो है उन्होंने प्रावधान रखा हुआ है। जैसे टेक्सटाइल्स का समझिए, टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री फॉर इंडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। अभी आप सबको पता है इंदौर की भी आपको पता है कि यहाँ टेक्सटाइल जो है वो बाबा आजम के जमाने की थी, अब उसको जो है मॉडर्नाइज करना है तो उसके लिए सरकार की स्कीम है ये दिया हुआ है मैंने रेडिंग के अंदर, इस पर जाकर आप जो है ये किस तरह की सब्सिडी मिल रही है और कितनी मिलेगी इसका पूरा अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने मशीनें थी पावर का कंजम्पशन ज़्यादा होता था, जहाँ पानी लग रहा है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था, इसको कैसे सेव किया जा सकता है, उसको जो है सेव करने के लिए कंसल्टेंट्स की सेवाएं उपलब्ध हैं, कंसल्टेंट जो फी चार्ज करते हैं वो रिएम्बर्स होती है और दूसरा जो मशीन आप लगा रहे हैं टू सेव एनर्जी तो वो उसकी भी जो है सर्टन कॉस्ट जो रिएम्बर्समेंट आपको सब्सिडी के रूप में होती है, इस तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर ये जानकारी भी आप चाहते हैं तो msme.gov.in पर जाकर ये आप साथ प्राप्त कर सकते हैं। और बंधु आप जो बात कर रहे थे कुटारी साहब ये वाली देखिए ये प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना है। देखिए मैं एक निवेदन यहाँ करना चाहता हूँ कि हम लोग जो है बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने का डिसीजन जो है वो टाइमली नहीं है और जो है सही तरीके से हमें समय की मांग के अनुरूप अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। एक चीज तो ये है कि जो पुराना बिजनेस होता है जो 2 जनरेशन या 3 जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है वो सर्वाइव नहीं होगा, वो अल्टीमेटली वो जो है बंद क्लोजर की तरफ जाएगा और अभी हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। डाइवर्सिफाई करने के लिए कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जो अभी जो है अट्रैक्टिव है और जिनमें बहुत बड़ा स्कोप है, उसमें एक जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। अभी देखिए जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, सिर्फ हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक तरीके का रिवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है, उसके अंदर जो है फूड प्रोडक्ट जिसे कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं और ज़बरदस्त एक्सपोर्ट हो सकता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आधी चीज के भाई चलो गेहूँ जो है उसको प्रोसेस करना है एक ऐसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसकी आप लिस्ट देखेंगे ये जो रेड इंक के अंदर में दिया हुआ है ये आप इस पर जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिलेगी या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट खोल लीजिए उसके अंदर आपको मिलेगी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कवर हो सकते हैं, नेचुरल हैं फिर जो है एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या दूसरे हैं वो सब के सब देखने हैं, फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं ग्रोसरीज हैं वो सब जो है ये स्कीम के तहत कवर्ड है। और अभी भारत सरकार की योजना है कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पूरे देश में खोली जाएगी और एग्री क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। आप भी अखबार में पढ़ते हैं कि एग्री क्लस्टर्स जो है वो बनवाने का जो है सरकार का बहुत बड़ा और इस पर बहुत बड़ा काम भी हो रहा है। अभी आप देखिए कि ये जो यूनिट है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ये आप फूड मेगा पार्क है, फूड मेगा पार्क में भी आप यूनिट लगा सकते हैं, एग्री क्लस्टर्स में भी लगा सकते हैं, उनके बाहर भी लगा सकते हैं जहाँ आप चाहें, लेकिन
जो है ये कौन सा प्रोडक्ट कहाँ हो रहा है, कितनी तादाद में हो रहा है, उसकी इंटरनेशनल डिमांड क्या रहेगी, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, आज वो हमें कहीं समझने की आवश्यकता है। अगर वो हम समझेंगे, क्योंकि आपको ये इंडस्ट्री लगवाने के लिए एक्सपर्ट मिलेंगे। अभी जैसे मैं बात कर रहा था तो ये लोग अनुभव उसी पर काम कर रहे हैं, तो ये आज हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरीके के स्पेसिफिक डोमेन के अंदर हम अपने आप को डाइवर्सिफाई कैसे करें, ये जो है कहीं सुनिश्चित करने के लिए। इसमें भी देखिए कहीं भी 15% से कम कोई सब्सिडी नहीं है, 35%, 50% तक सब्सिडीज मिल रही है अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को, ये हमें समझना चाहिए। और इसके अलावा भी दूसरे बेनिफिट्स इतने होते हैं कि अगर मिनिमम भी अगर आपको लाभ मिल रहा है तो 50% इंसेंटिव या सब्सिडी का लाभ तो मिल ही रहा है। यदि आपने 1 करोड़ रुपया लगाया है तो 50 लाख तो सरकार आपको जो है सब्सिडी में कैसे भी करके दे रही है, इस तरीके का अभी माहौल है। मैं समझता हूँ कि ऐसा एटमोस्फियर इंडस्ट्री के लिए पिछले दशकों के अंदर नहीं रहा है। साथियों डेयरी का भी देखिए, डेयरी डेवलपमेंट इसकी भी स्कीम के अंदर 25% से 33% सब्सिडी है, और ये अभी ये भी ऐसा प्रोडक्ट है कि इसमें सैकड़ों प्रोडक्ट्स जो है प्रोसेस होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग जो है उसकी कैटेगरीज हैं, और इतना जबरदस्त एक्सपोर्ट होता है इसका कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये भी इंडस्ट्री लगाने जैसी है, ये कॉपरेटिव बेसिस पे लग सकती है, जो बहुत बड़ा जो है अमूल अपने आप में उदाहरण है, गुजरात का अमूल जो है वो इसमें उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि आप लोग मध्य प्रदेश में भी कोई दूसरा अमूल खड़ा कर सकते, लेकिन इसके लिए जो है हर तरह की कंसल्टेंसी अवेलेबल है, टेक्निकल नो हाउ अवेलेबल है, कैसे आप उसको यूज करते हैं किस तरीके से। लेकिन ये जो है 2-3 सेक्टर ऐसे हैं, अभी एक और सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इनमें से हमें कुछ ना कुछ चूज करने की आवश्यकता है। देखिए ग्रामीण भंडारण ये नाबार्ड की योजना, अभी हम एग्री क्लस्टर्स की बात की हमने कि सरकार जो है हर राज्य के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एग्री क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं, जहाँ एग्री क्लस्टर्स होंगे वहाँ वेयर हाउसिंग की जरूरत है। तो नाबार्ड की योजना है, नाबार्ड जो है 300 मेट्रिक टन से लेकर 10,000 मेट्रिक टन तक के कैपेसिटी के गोडाउन बनाने के लिए लोन देता है, और सिर्फ लोन ही नहीं देता है, इसमें सब्सिडी है जो लगभग 33% के आसपास सब्सिडी है, कुछ के लिए 33% है, हमारे जैसे लोगों के लिए 25% के आसपास सब्सिडी है। और ये आने वाले समय में ये जो है फुल फ्लेज चलेगी। इसके अलावा भी जो है आप देखिए कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन है, अभी जितने भी फूड प्रोसेस है, अभी देखिए एक ट्रेंड और आ रहा है, अभी आ रहा है सीधा मतलब B2B बिजनेस कैसा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। अभी एग्री क्लस्टर से या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जो सप्लाई होगी वो मिडिलमैन को नहीं होने वाली, वो सीधा कस्टमर को होगी आने वाले समय में, इस तरीके की योजना है। तो मतलब पेरिशेबल गुड्स के लिए कोल्ड चेन जितनी भी है, कोल्ड लॉजिस्टिक्स ले लीजिए या कोल्ड स्टोरेज ले लीजिए, वो लगने वाले हैं, वो मतलब लगेंगे ही। तो ये सारे ओपनिंग्स हम लोगों के लिए हैं जिसे हमें कहीं समझने की आवश्यकता है। और भी बेनिफिट देखिए राज्य सरकारें क्या देती है, अभी हमने जो बात की इसमें ये इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए कि भाई ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है वो बहुत सारा बजट जो है ट्रांसफर स्टेट्स को होता है, और स्टेट्स जो है वो हमें ये MSMEs को इंसेंटिव वो प्रोवाइड करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में जो है उसमें राज्य सरकार अपने हिसाब से बदल सकती है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, तो वो उस हिसाब से भी देखना होता है। क्योंकि देखिए अभी एक चीज़ तो ये सबको समझ में आ गई, हर राज्य को समझ में आ गई है कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है तो राज्य जो है वो डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी तक क्या हुआ है कि जहाँ इंडस्ट्री लगी वहाँ खूब लगे, वो मतलब थिकली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, वेरियस जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि वहाँ पर एक भी इंडस्ट्री नहीं है, वेरियस वहाँ पर आज भी नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लगी है उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, कि यदि जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लग गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स हो गई, लो एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, दूसरे राज्यों के अंदर जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, वहाँ लोग जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड हैं। तो अभी राज्य सरकारें ये बहुत ज़्यादा सुनिश्चित कर रही हैं कि उन्हें जो है डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, हर राज्य के अंदर इंडस्ट्री, हर जिले के अंदर इंडस्ट्री आनी चाहिए, तो उसके लिए वो स्पेशल ऑफर्स करते हैं। क्योंकि अभी आपको ये कहते हैं कि भाई बस्तर के अंदर
चाहिए या आपको मध्य प्रदेश का एक बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो है चाहिए, तो आप जब भी जाएंगे जब आपको ये लगेगा कि 5 साल में मेरी इंडस्ट्री फ्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट मेरा जो है 5 साल में निकल जाएगा, एक व्यापारी की ये सोच होनी चाहिए और होती भी है। तो सरकार तो कुछ कर रही है, ऑफर स्पेशल स्कीम्स, एग्जेम्पशंस, रिबेट्स, पावर के बारे में आपको बताया था, ये पावर सब्सिडी देती है, स्पेशल एडिशनल सब्सिडीज, कुछ सब्सिडीज ऐसी होती है जो टाइम लिंक होती है, अलग अलग क्षेत्र के लिए भी होती है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी, ये हर राज्य देता है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी हर राज्य देता है, और इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है या इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है ऑफर सिंगल विंडो सिस्टम। राजेश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ऑफर सिंगल विंडो सिस्टम क्या है वो समझते हैं। देखिए अभी ईज ऑफ डूइंग एक पंच लाइन है जो हर राज्य कहता है कि हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग है। व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग? ईज ऑफ डूइंग का मतलब ये है कि हमें बिजनेस करने में या इंडस्ट्री लगाने में हमें हर जगह जो है वो हम कंफर्टेबल महसूस करें। वेयर हमारे यहाँ का जो सिनेरियो अभी तक रहा था, एक आदमी या एक युवा जिसे कोई इंडस्ट्री लगानी छोटी बड़ी भी, तो वो जो है उसकी चप्पल ले जाती थी क्योंकि उसको 15 डिपार्टमेंट से NOC या परमिशन लेना, कहीं से लाइसेंस लेना होता था, बरोबर है। अभी जो है सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर ये कर दिया गया है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने एक एप्लीकेशन कर दी कि मैं ये प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, देन इट्स ए ब्यूटी ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम कि वो आपको 30 दिन के अंदर सारे परमिशन जितनी भी डिपार्टमेंट की लगती है वो ला के आते हैं। और महाराष्ट्र में जो ऐसा कायदा, इट इज नोन एज महापरवाना, सिंगल विंडो सिस्टम महापरवाना, इट इज नोन एज लेटर ऑफ इंटेंट। अगर वो सरकार आपने अप्लाई किया, नेक्स्ट डे आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा जिसे महाराष्ट्र में महापरवाना कहते हैं, उसके बाद जो है अगर 30 दिन के अंदर भी वो महापरवाना डिपार्टमेंट लाकर नहीं देता आपको सारी परमिशन, इट विल बी डीम्ड एज यू हैव रिसीव्ड ऑल द परमिशन ऑल द NOC। अभी तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर ये है, तो मैं यहाँ आपकी इस संस्था को, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था फेडरेशन को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार को ये डिमांड तक करिए कि ईज ऑफ डूइंग जो है इट शुड नॉट बी ए स्लोगन सिंपली, इट शुड बी इन रियल सेंस, और हमें जो है ये सिंगल विंडो सिस्टम जो है प्रोवाइड, ये बहुत जरूरी है। अगर इसमें अगर आप करते हैं तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स या बहुत सारे जो अलग अलग राज्यों की सुविधाएं हैं वो हम जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप जो उसके बेस के ऊपर डिमांड चार्टर बना कर दीजिए। और अगर कहीं जरूरत पड़ती है कि भोपाल चलना है तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। ये सपोर्ट सर्विस भी जो है राज्य सरकार प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन सपोर्ट, मैंने अभी जेड क्वालिटी जेड सर्टिफिकेशन की बात की थी, जीरो डिफेक्ट वाली, तो यहाँ पर जितने भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है हर जिले में वहाँ पर एम्पेनल्ड जो है कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। डेवलप्ड साइट्स फॉर वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन, मध्य प्रदेश में भी लैंड के लिए इंडस्ट्रियल लैंड या इंडस्ट्रियल प्लॉट का बहुत बड़ा काम हुआ है। बैंक इज अवेलेबल, आप ऑनलाइन भी जो है मध्य प्रदेश के अंदर अब सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको कहाँ लेना है, कौन सी लैंड अवेलेबल है, लीज पर भी मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अब प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पर प्लॉट्स माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए रिजर्व रहते हैं, उनको जो है चार्जेस भी कम लगते हैं, दे हैव टू पे लेस, इस तरह की जो है कंसेशनल प्राइसेस के ऊपर मिलते हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं। साथियों, ये कुछ बात की हमने प्रिविलेजेस की, बेनिफिट्स की, इंसेंटिव कहाँ कहाँ किस किस तरीके से मिल रहे हैं। अभी हम बात करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये सब जो है मिलेंगे कब, जब आपका उद्यम में रजिस्ट्रेशन होगा, यू बिकम MSME, वो जो है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है इसका। देखिए पहले लाइसेंस राजस्थान लाइसेंस मिला करता था, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, अब वो सारा सिस्टम खत्म हो गया, आप सिंपली जो है ऑनलाइन जाकर 5 मिनट के अंदर आप अपना जो है वो स्टेटस ऐसे MSME आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। देखिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, ये देखिए ये वर्टिकल में है, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in ये पोर्टल है, इस पर आपको जाना है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फॉर न्यू एंटरप्राइजेस, और दूसरा ऑप्शन है फॉर एंटरप्राइजेस हैविंग उद्योग आधार, ये दो ऑप्शन है, क्योंकि उद्योग आधार जिनके पास था उन्हें भी अब उद्यम में जाना कंपलसरी है। वो क्यों है वो मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर सिर्फ आपको आधार नंबर डालना है और आपका नाम डालना है, आपको सिर्फ आधार नंबर डालना है और
ओटीपी का जो है प्रोविजन है किसको जो है यहाँ आप क्लिक करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिए, एक एप्लीकेशन खुल जाती है, उसके बाद जो है जितना भी वो पेन नंबर मांगेगा पेन नंबर है तो डाल दीजिए, आपने जो पिछला आईटीआर किया है या जीएसटीआर आपने फाइल किया उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक उसमें रिफ्लेक्ट होंगी, वो मतलब स्क्रूटनी होके रजिस्ट्री मिनट्स या फ्यू सेकेंड्स को जो है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होंगी और उसके बाद आप उसको कंप्लीट करके भेज सकते हैं। अभी देखेंगे ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना किसको है, एक्सपायरिंग यूनिट्स के लिए क्या फायदा है, ये 1 जुलाई के बाद से ये अब उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी नई यूनिट आ रही चाहे वो सर्विस सेक्टर की हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो, उन्हें जो है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ही करना है। सिंपल टू अप्लाई एंड मोर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जैसा मैंने अभी कहा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको आपका आधार नंबर डालना है और यदि आपके पास पैन नंबर है तो डालना है, बस दो के अलावा आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, आपने जितनी भी जो भी ऑटो अपडेट क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस
और ये 1 जुलाई 2020 से हो गया है। पहले इसकी जो है अलग अलग डेट्स रखी गई थी एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए, लेकिन बढ़ाती जा रही है सरकार, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी तो 1 करोड़ भी नहीं हुए हैं, वेरियस बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। सरकार को भी जो है ये डेट बढ़ानी पड़ेगी। अभी 26 को खत्म हुई है, मैं कल चेक कर रहा था कि डेट बढ़ी है क्या, लेकिन अभी कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करना, लेकिन बढ़ जाएगी डेट, ओपन है, इसको कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और करना चाहिए। आपके जितने भी क्लाइंट हैं, जितने भी चार्टर्ड कोऑर्डिनेशन है, उसकी वजह से वो एडवांटेज हम ले पाते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो हम शायद नहीं ले पाएंगे। इसमें देखिए रूट कैन अप्लाई मैन्युफैक्चरिंग एस्पायरिंग एंड एग्जिस्टिंग है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग है या आने वाले समय में लगने वाली है, उन्हें सबको जो है इसमें अप्लाई करना है। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी ऐसा ही है, एग्जिस्टिंग और एस्पायरिंग। ट्रेडर्स अभी आपको ध्यान हो तो नितिन गडकरी जी जब एमएसएमई मिनिस्ट्री से फारिग हुए, उसके कुछ महीने पहले उन्होंने जो है ट्रेडर्स को भी, बिजनेस कम्युनिटी को भी जो है एमएसएमई के डेफिनेशन में कवर किया। तो अब जितने भी हमारे बिजनेस पर्सन्स हैं वो भी मतलब इस पर उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, और फायदा क्या होगा वो भी मैं आगे आपको चर्चा में लेता हूँ। इसके अलावा डीम्ड मैन्युफैक्चरर एंड रीसेलर्स, डीम्ड मैन्युफैक्चरर्स का मतलब ये होगा कि कोई भी किसी कंपनी का आपके पास एजेंसी है और आप उसमें डील कर रहे हो, तो यू विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड मैन्युफैक्चरर, और आप जो है सरकार को कुछ पोर्टल के माध्यम से जिससे सरकार खरीदी करती है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, जैम पोर्टल, उसमें जो है आप सप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा तो आप जो है बहुत कुछ लॉस करेंगे। तो udyamregistration.gov.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बेनिफिट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडर्स, ये समझ लीजिए कि देखिए अभी ट्रेडर्स जो है वो चाहे रिटेलर्स हों या होलसेलर्स हों, दोनों ही के ट्रेडर्स जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे और कराना चाहिए उनको। और उसका ये होगा कि अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन है तो वो प्राइमरी लेंडिंग सेक्टर के अंदर आए। अभी क्या होता है कि बैंक आपको भगा देती है, रेस्पॉन्स नहीं करती है, बट सिंस यू आर रजिस्टर्ड अंडर MSME, बैंक हैज टू थिंक ट्वाइस कि आपके साथ कैसा डील करना है, बिकॉज यू आर इन नाउ प्राइमरी लेंडिंग सेक्टर। और इसके अंदर ऑलरेडी प्रावधान है CGT MSE स्कीम के तहत, यदि कोई भी ट्रेडर चाहे वो होलसेलर हो या रिटेलर हो, यदि उसके पास MSME का सर्टिफिकेट है तो वो CGT MSE स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। उनको एक CDBI की तरफ से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। और आने वाले समय के अंदर क्वेश्चन सर, आने वाले समय में जो है वो और भी जो बेनिफिट्स मिलेंगे, राजेश जी एक बात और कहूँ कि ट्रेडर्स के लिए सरकार ये सुनिश्चित करे कि किस तरीके के बेनिफिट देना चाहती है या देगी, या अपन डिमांड करें इस तरीके का भी मेमोरेंडम हमें सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को देना चाहिए। ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसके इस पर भी कई ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन में, या इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, या व्यापारी वर्ग के जो जितने भी एसोसिएशन है होलसेलर्स के या रिटेलर्स के, उनके माध्यम से जो है ये सुनिश्चित होना चाहिए कि भाई हमने ये रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि ये हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की डिमांड हमें कहीं सरकारों से करने की भी आवश्यकता है। देखिए जैसे ही आप सबमिट करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन नंबर इमीडिएट आ जाता है, और ये सर्टिफिकेट भी आपको इमीडिएट जो है आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश की क्या पोजिशन है आगे देखिए, ये 4 जुलाई की स्टेटिस्टिक्स है। माइक्रो यूनिट्स जो है मध्य प्रदेश में 4,06,000 है, जो उद्यम के अंदर रजिस्टर हुई है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उद्यम में 1 जुलाई 2020 के बाद 4 जुलाई 2022 तक कितनी रजिस्टर हुई है माइक्रो, वो 4,06,000 है, स्मॉल 15,844 है, और मीडियम सिर्फ 1,226 है। अभी आप देखिए कि जो उद्योग आधार के अंदर मध्य प्रदेश से रजिस्ट्रेशन था वो 9,66,000 का था, इसका मतलब अभी जो है हमने 50% मार्क भी हमने जो है रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट नहीं किया है, इट इज वरिंग इश्यू। और इस पर किस तरीके का जो है हम प्रोपोगेशन करें, अवेयरनेस लाएं, वो बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भले वो कुछ भी क्लेम करें लेकिन वो प्रैक्टिकली सर्विसेज दें। आज जरूरत है कि ये उनको जो है ये सर्विसेज देना चाहिए, प्रोपोगेट करना चाहिए कि आप रजिस्टर कराइए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये
ये एक चिंता का विषय है, इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। साथियों अभी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं स्पेशली वो अगर NSIC में भी रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो वो मतलब एडिशनल बेनिफिट मिलता है, बहुत सारी मल्टी फंक्शनल सर्विसेज इनसे प्राप्त हो सकती है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को एडवाइस करते हैं तो NSIC में भी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अंदर भी ये जो है रजिस्ट्रेशन वो कर लें, इस तरह की एडवाइस हमें करने की आवश्यकता। अभी बहुत सारी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, क्लेरिफिकेशन लेने की जरूरत पड़ती है, तो हम कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, गवर्नमेंट में कौन उनको रेस्पॉन्स करेगा, तो उसके लिए जो बेस्ट नोडल एजेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेंटर जो हर जिले के में जो है वो लोकेटेड है, वहाँ जाकर जो है संपर्क किया जाना चाहिए। इसके अलावा अभी बहुत कंप्लेंट्स आती है क्योंकि क्या होता है कि ट्रेड इंडस्ट्री सेंटर में लोगों के ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है, वो अगर हम जा रहे हैं तो हमें ना करने के साथ हमको तो आइडिया नहीं है, इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत आती थी। तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि हर बड़े शहर के अंदर या हर राज्य में कम से कम 3-4 जो है बड़े राज्यों में 4 तक और मीडियम साइज के जो राज्य हैं उनमें 3 MSME DIs जो है ओपन कर दिए। ये MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं, इसके अंदर एक कमिश्नर लेवल का व्यक्ति बैठता है, ये आपके मध्य प्रदेश में ग्वालियर देवास इंदौर तीनों में है, इंदौर के अंदर जो है कोटोग्राउंड ये इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर इनका ऑफिस है, वहाँ संपर्क किया जा सकता है यदि आपको ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेंटर से प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्योंकि क्या होता है अभी देखिए मैंने जितनी भी आपको स्कीम्स बताई हैं उनके इंसेंटिव्स का रेट मैंने बताया, लेकिन उनको अप्लाई करने का तरीका अलग है, कोई जो है यहाँ से आपको अप्लाई राज्य सरकार में करना है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में करना है, कोई आपको बैंक के माध्यम से करना है जहाँ से आप इनरोल नहीं है। तो ये इस तरीके के जो है मल्टी सिस्टम्स हैं जिनको हमें आइडिया नहीं होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अप्लाई कब करना है, इंसेंटिव कब मिलेगा, वो जानकारी नहीं होती है, वो सारी जानकारी जो है ये डिपार्टमेंट से मिल सकती है। MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इसमें काफ़ी मदद करते हैं ऐसा केंद्र सरकार क्लेम करती है, शिकायतें तो इनकी भी हैं लेकिन फिर भी मतलब जो है व्यवस्थाएँ हो रही है। अभी हमने बात की थी 45 डेज पेमेंट प्रोटेक्शन, जिसमें मैंने ये कहा था कि भाई सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सरकार में कोई भी माल हो तो 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी डिस्प्यूट पड़ते हैं, बिजनेस इज अल्टीमेटली बिजनेस और बहुत तकलीफ पड़ती है, तो वो अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट में आपने माल दिया और आपका जो है 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आया फॉर एनी रीजन, तो आप जो है ये समाधान पोर्टल के ऊपर जाकर आपकी कंप्लेंट जो है फाइल कर सकते हैं और आपको विद इन फ्यू डेज मतलब विद इन स्टिपुलेटेड टाइम मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वहाँ है आपको तीसरे दिन तो जवाब मिल ही जाएगा और आप जो है इसी पोर्टल के माध्यम से आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन की या आपकी कंप्लेंट्स की क्या जो है स्टेटस है आपकी तारीख में वो भी पता पड़ता है, इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। देखिए कुछ स्टेटिस्टिक्स है, कंप्लेंट 2014-17 से जुलाई 2022 तक जितनी कंप्लेंट आई थी वो 1,16,000 के आसपास आई थी डिलेड पेमेंट की, जिसकी वैल्यू आ रही थी लगभग 29,748 करोड़, इसमें से सेटलमेंट हुआ 21,404 एप्लीकेशन का जिसकी वैल्यू है 4,514 करोड़। ये MSEFC यानी ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं हर राज्य के अंदर, उनके माध्यम से ये जो है होता है और कुछ म्यूचुअल सेटलमेंट भी गवर्नमेंट ने करा के दिए हैं। इस तरीके से सरकार ये प्रयास करती है, जैसा मैंने कहा था कि आपकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे उसके लिए हर तरीके का प्रयास सरकार के द्वारा होता है, और अब पहले जिस तरीके से सरकारों के विभागों में पहले जिस तरीके से काम होता था या जो रेस्पॉन्स जिस तरीके से चलता था वो नहीं मिलता था, अब वो परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हैं, हमको जो है क्विक रेस्पॉन्स मिलता है। एक और है ये चैम्पियंस पोर्टल है, ये भी MSME का है, इसमें भी देखिए ये मल्टी फंक्शनल है, ये ऊपर कर्सर में जहाँ ले जाऊँ देखिए योर ग्रीवेंसेस, आपकी कोई भी ग्रीवेंस है या आपको डिलेड पेमेंट है यहाँ पर भी आप लॉन्च कर सकते हैं आपकी कंप्लेंट, आपका कोई आइडिया है, आप कुछ नया सजेशन देना चाहते हैं तो सरकार उसको वेलकम करती है, इस तरीके का ये है। इसमें भी आप जो है अपनी कोई भी चीज़ किसी भी तरीके का विचार हो सजेशन हो आप इसमें डाल सकते हैं, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा इसकी तरफ सरकार रेस्पॉन्स। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पर आ रहे हैं मेरे प्रेजेंटेशन के, दैट इज गवर्नमेंट। अभी
आप में से सरकार को सप्लाई करने वाले कितने लोग हैं, सरकार के किसी भी विभाग? ये हाथ है, देखिए आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक जमाना था सरकार टेंडर निकालती थी, फिर आपको बुलाती थी, फिर सौदेबाजी होती थी, कितना कमीशन लोगे, है ना, ये सब। और बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते थे कि ये झंझट में नहीं पड़ते, ऐसा होता था। अभी ये जो है 2006 से ये सारा डिजिटल है, एक जो है जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके माध्यम से सारा टोटल ट्रांजेक्शन, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे PSUs हों, वो सब जो है इनके माध्यम से करते हैं। और अगर डायरेक्ट भी कर रहे हैं, जैसे कॉरपोरेशन से टेंडर सीधे निकालते हैं, हम अखबार में पढ़ते हैं ना सारे टेंडर उतरते हैं, तो उनको भी जो है वो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स को जो बेनिफिट है वो उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। ये जो है महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में भी हम लोगों को बहुत चर्चा जानकारी नहीं है अभी। लेकिन ये 2006 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, और इसमें जितनी भी गवर्नमेंट की गुड्स प्रोक्योर होती है या सर्विसेज लेते हैं, मतलब सर्विस भी जो प्रोक्योर होती है, वो सारी की सारी जो है ये जेम पोर्टल के माध्यम से होती है। और इसमें ये मैंडेटरी है फॉर एवरी डिपार्टमेंट अंडर GFR, जिसे कहते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स, उसके तहत जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जेम पोर्टल के थ्रू ही परचेस किया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये इस पोर्टल की कि ये पेपरलेस है, कैशलेस है, ट्रांसपेरेंट है, सिस्टम ड्रिवन ई मार्केट प्लेस है, और इसमें ह्यूमन इंटरफेस, वो जो है मनुष्य का जो हस्तक्षेप होता है वो जो है नहीं किया होता है। अभी ये देखिए इसकी कुछ स्टेटिस्टिक्स है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझने जैसी है। ये इसके अंदर बायर वो 60,975 बायर्स रजिस्टर है। आप कहेंगे साहब ये तो सरकारी खरीद के लिए है तो इतने बायर्स ना है, ये सरकार के इतने विभाग हैं जो जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है। ये सारा परचेज जो है जेम पोर्टल के माध्यम से करते हैं, और इसके अंदर हमारे आपके जैसे सेलर जो हैं वो 46 लाख एंड अबो, इतने जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा अपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने के लिए। और इसमें लगभग 10,000 के आसपास प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट हैं, और इनकी कैटेगरीज जो हैं 288 हैं। 288 कैटेगरीज में लगभग 10,000 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट बाय करती है हर साल। और सॉरी ये कैटेगरीज हैं, ये 10,038 कैटेगरीज हैं और 288 सर्विस कैटेगरीज हैं। और इसमें इन 10,038 कैटेगरीज में 42,80,251 प्रोडक्ट जो जिनकी सरकार जो है कभी ना कभी खरीदारी करती है, इसी तरीके से 1,84,000 सर्विसेज हैं जो सरकार अवेल करती है। इसमें अभी तक 6 सालों के अंदर 6.5 साल में ये आप देखिए कितने ऑर्डर्स जो हैं, ये 1,04,55,372 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, जिसकी वैल्यू आती है करीबन 282,00,000 करोड़। मैंने जैसा कहा था कि भारत सरकार ही जो है या सरकार है सबसे बड़ी इस देश के अंदर बायर्स है, वो ये इतना बड़ा है। अब इसमें माइक्रो स्मॉल यूनिट्स का है, देखिए ये इधर देखिए रजिस्टर्ड जेम के अंदर 7,87,000 यूनिट्स माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं, और इनका जो टोटल 242,00,000 करोड़ का जो अभी तक ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें 55.46% माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स। अब देखिए माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए कितना बड़ा स्कोप यहाँ पर है ये समझने की आवश्यकता है। और अभी देखिए ये जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से डिस्कस करना चाहूँगा, इसके बुलेट नंबर सेकंड पर आइए। ये पॉलिसी मैंडेट 25% ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स ऑनली, 25% की खरीदारी कोई भी डिपार्टमेंट निकालेगा तो 25% आउट ऑफ 100% 25% हैज टू बी मैंडेटरीली ऑर्डर्ड टू माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स, वो जरूरी हो गया है। और इसके अंदर भी फर्दर रिजर्वेशन किया 25% में कि SC ST यूनिट है तो 4% आउट ऑफ 25%, और यदि महिलाएं हैं तो 3%, तो महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा स्कोप है। अभी और बेनिफिट देखिए कि टेंडर सेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंडर की कोई कॉस्ट नहीं लगती है, अनलेस मनी आपको डिपॉजिट नहीं करनी है, लोअर फर्स्ट से यदि 15% तक भी आपका टेंडर ऊपर है तो नेगोशिएट
नेगोशिएट आपके साथ किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 358 आइटम्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट 100% माइक्रो स्मॉल यूनिट से ही परचेस करता है। ये अभी सेलर्स के लिए अगर हम सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कितने डिपार्टमेंट बायर्स हैं, 60,000 बायर्स। अभी अगर हम कल्पना करें कि 60,000 बायर्स तक या मतलब हमारे क्लाइंट्स तक हमें पहुंचना हो तो हमें कितनी बड़ी मार्केटिंग टीम लगती है। बट इट इज ए वन स्टॉप शॉप, आपको जो है सिर्फ जेम रजिस्ट्रेशन किया तो आपकी रीच जो है या आपका एक्सेस 60,000 बायर्स तक है। और अभी इसके अंदर ये इतना मतलब जो है डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, आपने अपना प्रोफाइल बनाया कि आइटम्स पे डील कर रहे हैं, उनके रेट क्या हैं, उनको रेट को कभी भी आपको बदलना है आप बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। टेंडर अगर आपने भरा है और आपको ऐसा लगे कि ये टेंडर में रेट बढ़ाना है या कम करना है तो आप उसको कर सकते हैं। वो सारी परमिशंस आपको है इस जेम पोर्टल के अंदर। मतलब ये मतलब जैसे कहते हैं सेलर्स फ्रेंडली पोर्टल है, इस तरीके का ये पोर्टल बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें यूनिफॉर्म परचेस सिस्टम है, प्रोसीजर है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे लिए और कुछ है, आपके लिए और कुछ है, एक जैसा जो है प्रोसीजर है और इसके अंदर चलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिपार्टमेंट ऑर्डर कर रहा है जिस यूनिट को, तो उस डिपार्टमेंट को ये पता नहीं पड़ता कि हमने किसको ऑर्डर किया, सबसे बड़ी बात। इसलिए करप्शन भी इसमें धीमे धीमे जो है अब कम। अभी आप जरूर ये पूछना चाहेंगे कि सर इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो देखिए इसका जो है जेम डैशबोर्ड, उस पर जाइए, सिर्फ जेम डैशबोर्ड डालना है गूगल के ऊपर, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और जेम इतना सपोर्ट करता है सेलर्स को, उनके लिए वर्कशॉप करता है, जितने भी हमारा ट्रेड और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के या सॉरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे फिक्की है या दूसरे हैं आईसोचेम या इस तरीके के, उनको वो जब भी चाहे जेम को बुलाकर अपने मेंबर्स के लिए वर्कशॉप कर सकते हैं, जीएसटी पर अलग, रजिस्ट्रेशन पर अलग, कोई ग्रीवेंसेज हैं तो अलग, इस तरीके का रेगुलर कोर्स में उनके जो है वर्कशॉप चलते हैं, ट्रेनिंग होती है, इस तरीके के सारे प्रावधान किए होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो फिगर है वो कल आपको जो है अपडेटेड इस जेम पोर्टल पर देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ी जो है महत्वपूर्ण बात है। तो ये कुछ जेम के बारे में हमने बात की है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, अगर वो ब्रांडेड आइटम्स पर डील कर रहे हैं या मतलब आपने पेटेंट करा रखा है या ट्रेडमार्क आपके पास है तो डेफिनेटली आप रजिस्टर कराइए, यदि सरकार को लगता है तो आपको चांस लगेगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों अब हम बात करेंगे सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि ये एमएसएमईज के लिए स्पेशली जो है स्थापित की गई बैंक है। इसमें बहुत सारी योजनाएं, मैं दो तीन योजनाओं की ही बात करूंगा जो लेटेस्ट अभी आई है, पुरानी बहुत सारी योजनाएं हैं। सिडबी.in पर जाएंगे तो सारी योजनाएं मिलती हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आपके लिए कौन सी योजना है। माइक्रो और स्मॉल और मीडियम यूनिट्स के लिए स्पेशली ये बैंक जो है इस्टेब्लिश की गई है और उनको हर हाल के अंदर वो सपोर्ट करती है। एक स्कीम है स्माइल, ये इसके अंदर जो है ये हमारे माइक्रो यूनिट्स के लिए लोन की फैसिलिटीज है, प्लांटेड मशीनरी के लिए 10 लाख रुपये तक और वर्किंग कैपिटल के लिए 25 लाख रुपये तक लोन दिया जाता है। और अभी इस योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे लेकिन कोविड के बाद सिडबी ने जो है वो ओपन कर दिया है। आप कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे डिवाइस हो, इंस्ट्रूमेंट हो और कुछ हो, कंसंट्रेटर्स हो, मेडिसिन हो, वो सब ओपन कर दिया है। यदि एग्जिस्टिंग यूनिट है तो वो एक्सपांशन में जा सकती है, नई यूनिट्स खोल सकती हैं, उनको जो है 100% तक हो रहा है, मतलब पोर्टल फ्री जो लोन्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स के अंदर सिडबी की एक खास बात ये है कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, एज पर डिमांड ऑफ द आवर, वो जो है अपनी योजनाएं बनाते हैं और जो है क्लाइंट्स के लिए या यूनिट्स के लिए सामने देते हैं। इमरजेंसी रेस्पॉन्स कोरोना वायरस के सामने ये दो योजनाएं जो लाए थे जिसमें 2 करोड़ रुपए तक का लोन एग्जिस्टिंग यूनिट्स को दे रहे थे, इसमें सिर्फ 5% इंटरेस्ट रेट। अभी सिडबी में एक खास बात ये है कि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत, ये 5%, 7%, 8%, इससे ज़्यादा कहीं उनका जो है अलग अलग योजनाओं में इंटरेस्ट रेट था। इस तरह की ये योजना थी। और अभी जैसा मैंने कहा था कि पहले हेल्थ सेक्टर में सिर्फ 21 प्रोडक्ट्स जो है सिडबी लोन करती थी, लेकिन अब ओपन कर दिया, आप कुछ भी बना रहे हैं आपको लोन मिलेगा। और ये दो वेबसाइट्स हैं, इन पर जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिडबी में जरूर ट्राई करना चाहिए, अगर हम दूसरे बैंक में ट्राई करते हैं सबसे पहले आप सिडबी में बात कर लेनी चाहिए।
सिडबी जो है वो फेवरेबल नहीं है एमएसएमई। अभी एक योजना है स्थापन, ये रिसेंट में आई हुई योजना है, ये थीमेटिक असिस्टेंस यानी नीड बेस्ड असिस्टेंस। इसके अंदर देखिए कि ये एग्जिस्टिंग और न्यू यूनिट दोनों के लिए है, और इसमें जो अभी पीएलआई स्कीम के तहत बड़ी आ रही है यूनिट्स, अगर उनकी एंसलरीज भी आप लगा रहे हैं तो उनके लिए भी ये योजना है, और इसमें नए एंटरप्राइजेस के लिए है, और अगर पुराने एंटरप्राइज हैं तो 5 साल का उनका वर्किंग होना चाहिए, और इसके अंदर 75% ऑफ द एक्सपांशन प्रोजेक्ट या नए प्रोजेक्ट के लिए आपको लोन मिलेगा। इसमें 20 करोड़ रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है, और मार्जिन मनी जो है 25% है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% आपको लोन मिल सकता है, और देखिए इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी करेगी 6% से लेकर 7.30%, तो ये काफ़ी रीजनेबल है, इसमें जो है अपन जा सकते हैं। इसमें रीपेमेंट पोजिशन भी बहुत अच्छी होती है, 7 साल 10 साल तक की होती है, मॉनिटरिंग पीरियड भी 1.5 साल से 2 साल या 3 साल तक का भी अलग अलग योजनाओं होता है। एक ही योजना है स्वास्थ्य एवं NRO, ये अभी ये मेडिकल से रिलेटेड सिडबी की योजना है। अभी आप देखिए कि कोविड से लड़ने के लिए जिस तरीके से हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी आई, हर राज्य ने ऑक्सीजन प्लांट डालने के लिए विशेष योजना लाई, मध्य प्रदेश सरकार ने भी वो योजना लाई है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है मेरे पास, महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट डालने पर 100% इंसेंटिव, यानी मतलब आपका जो है प्लांट फ्री हो रहा है, और यदि आप एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है तो उसके अंदर 150% इंसेंटिव, आपने 1 करोड़ लगाया तो सरकार आपको 1.5 करोड़ दे रही है, मतलब इस तरह की योजनाएं अब आती हैं, उन पर हमें कोई मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि इस योजना के तहत सिडबी जो है माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स को ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट नहीं, ऑक्सीजन से रिलेटेड चाहे वो सिलेंडर्स बनाने हो, क्रायोजेनिक टैंकर्स बनाने हो, या वो कंसेंट्रेटर्स मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके लिए ये योजना है। और देखिए 4.5% से 6% इंटरेस्ट रेट है, और सबसे बड़ी बात ये सब कोलैटरल फ्री है, मतलब आपको कहीं भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी है, इस तरह की ये योजनाएं सिडबी की तरफ से आ रही हैं। ये सिडबी की वेबसाइट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इस पर अप्लाई कर सकते हैं। साथियों अब आप चर्चा करेंगे, क्या टाइम मिले सर? बस एक मध्य प्रदेश की योजना 15-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बस वो मेरा निवेदन है 5 मिनट। देखिए मैं सीधा इंसेंटिव पे आता हूँ, बाकी मैं प्लीज बैठिए बैठिए प्लीज 10 मिनट कंप्लीट हो। देखिए मैंने जैसा कहा इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी या इंसेंटिव जो है वो हर राज्य प्रोवाइड करता है, और कुछ केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाता है वो 40%, कोई भी राज्य 25-30% से ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी नहीं देता है, सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है जहाँ 40% सब्सिडी। और अगर आप ये नीचे का लास्ट बुलेट देखेंगे तो अगर SC ST एंटरप्राइजेज है और वुमन है तो उनको 2% अतिरिक्त है, यानी उनको 42% मिल रहा है, और वुमन यदि SC ST वर्ग से है तो उसको आधा प्रतिशत और अधिक मिल रहा है, यानी 45% मिल रहा है, और एक्सपोर्ट यूनिट्स है तो उनको भी 42% इंसेंटिव जो है वो दिए जा रहे हैं, एंड देट इज ऑन फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, फिक्स एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें सिर्फ बिल्डिंग लैंड नहीं आती है। तो ये जो है इस तरीके से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर दिया जाता है। और जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए दूसरे राज्यों के अंदर जो इंसेंटिव क्लेम करने का तरीका है वो थोड़ा टीडियस होता है, कहीं GST के साथ में रिफंड आ रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ सीधा 4 इंस्टॉलमेंट में सीधा पेमेंट आता है, मतलब आपको क्लेम करना है वो सीधा पेमेंट आता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशल पैकेज है कुछ, अभी पावर लूम सेक्टर के लिए 25% अपग्रेडेशन में होती है, यदि आप अपग्रेडेशन में जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं तो जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है मॉडर्नाइजेशन का या अपग्रेडेशन का उसका 25% सब्सिडी है। ये यहाँ पर
पावर लूम अगर आप अपग्रेडेशन में जा रहे हैं तो आपको जो इंसेंटिव मिल रहा है इसके अंदर पावर टेरिफ के अंदर जो 20 HP लोड तक 1.5 रुपया है और इससे ऊपर जो है 1.25 रुपया है और फिक्स चार्जेस जो इलेक्ट्रिकल होते हैं वो 100% रीइंबर्समेंट है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी बहुत सारे ही लाभ मिल रहे हैं, मतलब इंसेंटिव को ही मिल रहा है 40%। लेकिन बिल्डिंग की कॉस्ट देखिए, बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो बाकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंसेंटिव मिलेगा वो जो है उसी हिसाब से मिलेगा कि आपके प्लांट एंड मशीनरी या दूसरा जो खर्चा है, बिल्डिंग की कॉस्ट उससे 100% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये 200% लगा हुआ है। अपेरल सेक्टर के अंदर जो गारमेंट सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो है सर सैलरी का जो है इंसेंटिव मिलता है। इसके अंदर यदि मध्य प्रदेश के डोमिसाइल्स मिनिमम 25 हैं और रेगुलर बेसिस पे आप यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको 2500 रुपये की जो है वो कंसेशन या मतलब जो सब्सिडी जिसे सैलरी सब्सिडी कहते हैं वो देने का प्रावधान है, जो 5 लाख रुपये साल का दिया जा सकता है। लेकिन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 1 करोड़ रुपये का प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उनके लिए ये सब्सिडी है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं, इसके अंदर 3 सेक्शन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन है। ये 3 सेक्टर्स के लिए देखिए, इसमें सरकार ग्रांट देती है यदि कोई भी हमारा युवा साथी जो टेक्नोक्रेट है और वो आईटी से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो सरकार उनको जो है रेंट भी प्रोवाइड कर रही है, उनको सारे फिस्कल इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं, उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी है। देखिए यहाँ पर इनके लिए विंडो सिंगल विंडो सिस्टम है, ये mbscdc.mp.gov पर जाकर ये एप्लीकेशन कर सकते हैं और इस तरह के ये सारे क्लियरेंस इनको जो है इस सिंगल विंडो सिस्टम से मिले हैं। इसमें इनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है 5%, जितना लोन ले रहे हैं उसके ऊपर सब्सिडी है। आईटी और आईटीईएस यानी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उनको भी 5% टर्म लोन के ऊपर सब्सिडी है, लेकिन 10 करोड़ रुपये तक ये सब्सिडी है। अगर 10 करोड़ से ऊपर का लोन है तो फिर उनको बाकी के ऊपर 2% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। इस तरीके से ये सारी प्रमोशन सब्सिडीज हैं, कैपिटल प्रमोशन सब्सिडी इनको 10% मिल रही है और ESDM यूनिट को 50% मिल रही है और ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इंसेंटिव सब्सिडी ऑन हॉस्पिटल्स, ये देख लीजिए कोई डॉक्टर्स बैठे हैं क्या, यानी डॉक्टर नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 1 करोड़ रुपये के अंदर सब्सिडी मिल रही है, कैपिटल सब्सिडी विद लैंड अलॉटमेंट। सरकार जो है हॉस्पिटल के लिए लैंड भी आपको प्रोवाइड कर रही है। इसमें 3 कैटेगरी है, डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी बनाई हुई है। कैटेगरी ए जिसके अंदर इंदौर, उज्जैन, देवास और कुछ एक दो और बड़े शहर आते हैं, ग्वालियर और शायद जबलपुर है। उसके अलावा बी कैटेगरी है और फिर सी कैटेगरी है। सी कैटेगरी यानी इंडस्ट्रियली या मतलब टोटली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये भी इनके अंदर आप सब्सिडी देखिए। 3 कैटेगरी हॉस्पिटल्स की है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी हॉस्पिटल स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेकंड और सुपर स्पेशलिटी। इनके अंदर जो हॉस्पिटल फर्स्ट है इसके अंदर मिनिमम 30 बेड्स होते हैं, जबकि हॉस्पिटल सेकंड के अंदर 100 बेड्स का हॉस्पिटल मिनिमम होना चाहिए। इसमें कैटेगरी ए में 20% सब्सिडी है, कैटेगरी बी के अंदर 30% और कैटेगरी सी में 40% सब्सिडी ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट है। अभी इसके अंदर जो है जहाँ सरकार रेंट नहीं दे रही है तो वहाँ पर ये 10% के हिसाब से सब्सिडी ज़्यादा है, मतलब ऊपर देखिए आप कैटेगरी ए में 20% था या नीचे 30% है, इस तरीके से ये 10% ज़्यादा है। और आप देखिए करोड़ों के अंदर अगर आप देखते हैं कि सुपर हॉस्पिटल स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ मेरा खर्चा जा रहा है वहाँ आपकी निगाह मारी है, कैटेगरी सी में 50% है और 8 करोड़ रुपये तक का इंसेंटिव एक हॉस्पिटल खोलने के लिए। इस तरीके की ये फैसिलिटीज जो है मध्य प्रदेश सरकार में है, जिसे अभी कुछ वर्षों के पहले वो इसकी बंद हो गई, होटल्स के लिए थी 50% सब्सिडी थी, तो वो एडवांटेज जो है होटल्स के उनके मिले के समय में बहुत जो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर ने लिया। अब ये हॉस्पिटल जो है ये हेल्थ सेक्टर वाले इसका एडवांटेज दे सकते हैं। इसमें भी यदि ऑक्सीजन प्लांट डालना है तो उसके लिए अलग से सब्सिडी है और वो सारे प्रावधान भी इसके अंदर है। ये डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी जो है वो इंसेंटिव अवेलेबल है।
आपने नहीं लिया, हाँ ले लीजिए जल्दी करें। इसकी तो प्रमोट ऑक्सीजन प्रोडक्शन है, इसमें भी देखिए एमएसएमई यूनिट्स इन्वेस्टिंग लेस देन 10 करोड़, इसमें कुछ भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और रिलेटेड इक्विपमेंट्स, एग्जिस्टिंग एमएसएमईज, ग्रोइंग डाइवर्सिफिकेशन, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, अभी जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं वो भी डाल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज भी ऑक्सीजन प्लांट डाल सकते हैं, इसमें सर्टन कैपेसिटी और उनके के लिए उतना हमें जो है वो मीट आउट करना पड़ेगा। इंसेंटिव 50%, इसके अंदर 50% इंसेंटिव है, तो ये इस तरीके से है। अभी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है MPIDC, आपको लेटर ऑफ एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, और ये करने के बाद और उद्यम रजिस्ट्रेशन किया है तो आप जो है यू कैन गो अहेड विद योर प्रोजेक्ट। इस तरह की फैसिलिटीज है। न्यू लैंड पॉलिसी आई है, न्यू लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, ये इसका गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर दिया है, ये जो भी बहुत लंबा चौड़ा कई पेजों के अंदर है, तो मैंने उसको यहाँ समराइज करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। इसमें लीज के ऊपर मिलती है अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन हैं, और न्यू क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी भी मध्य प्रदेश सरकार अभी पिछले साल लेकर आई है, जिसके अंदर क्लस्टर्स जैसे इंदौर के अंदर टेक्सटाइल्स लूम सेक्टर आज भी जो है वो डोमिनेंट है, तो अगर वो लूम सेक्टर यदि क्लस्टर बनाना चाहे तो उनको बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट ऐसे इंसेंटिव मिलते हैं, जिसके अंदर वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और भी कुछ काफ़ी कुछ वो कर सकते हैं, प्रोडक्शन एनहेंसमेंट, टेक्निकल अपग्रेडेशन, वो सब क्लस्टर की पॉलिसी के तहत हो सकता है। तो ये ऐसे जो एसोसिएशन हैं उनके बीच में ये सब जो है डिटेलिंग करने की आवश्यकता है, ताकि वो गवर्नमेंट को अप्रोच करें, और गवर्नमेंट जो है ये बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटेट भी कर रही है इन दिनों के अंदर, और क्लस्टर्स आ रहे हैं नेशन। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, ये यूथ के लिए है, इसमें 50,000 से 10,00,000 रुपये तक का लोन मिलता है, इसके अंदर भी जो है 15% से 30% अनुदान है, और इसके अंदर 5% इंटरेस्ट रेट है। अगर हमारे जो युवा साथी हैं अगर चाहें तो इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, देखिए msme.mponline.gov.in पर जाकर ये एप्लीकेशन की जा सकती है। साथियों अभी समय हो गया, एक मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे चर्चा करना चाहता था, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट है कि समय भी हो गया, लेकिन एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम जो है ये रिसेंट में लॉन्च हुई है, और मैं इसे सिर्फ एक मिनट में समराइज करूंगा कि अभी तक स्टार्टअप्स हमारे देश में वो जो रजिस्ट्रेशन उनका होता था वो DPIIT डिपार्टमेंट में होता था, मिनिस्ट्री ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल प्रमोशन के अंदर होता था, लेकिन अब एमएसएमई डिपार्टमेंट भी इसको सपोर्ट कर रहा है, और इसके 3 अलग अलग वर्टिकल हैं, चाहे वो डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग हो, IPR हो, या फिर जो है एक तीसरा सेक्टर और है उसके अंदर भी ये अलग से जो है किया जा सकता है इंक्यूबेशन, इस तरीके से जो है इसको सपोर्ट दे रहे हैं। ये पूरा अभी मैंने भी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पर MSME DI के अंदर जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं, और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं क्योंकि इसमें सीधा MSME के थ्रू 15,00,000 रुपये की सीड फंडिंग है और प्रमोशन ऑफ द स्टार्टअप, तो उसका लाभ दिया जा सकता है, और आगे जो है फिर 1 करोड़ रुपये का CGT MSME के अंदर जो है लोन भी मिलेगा योर स्टार्टअप इज है, तो ये सारी जो है सुविधाएँ अवेलेबल है। अभी ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कभी भी मुझे एनी टाइम मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, अगर कोई गाइडेंस चाहिए अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं जरूर आपकी सेवा करूँगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, मैं किसी भी तरीके का कोई जो है रिमुनरेशन आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं ये सारा काम जो है ऑनरेडी बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, आप मुझे कभी भी गाइडेंस के लिए संपर्क। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं CM है, चेयर खुद एक यूके बेस्ड एजेंसी में एज अ कंसल्टेंट अपॉइंटेड हूँ, और वो एक हेवी इंडस्ट्री है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोगों का जो दर्द है, और हम लोगों को एक जो MSME से अलग से जलन की भावना रहती है कि क्यों उनको इतना फेवर और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इतनी प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स है। सर के इतने डिटेल्ड इंसाइट से कहीं ना कहीं आज मुझे समझ में आया। मेरी वाइफ को डॉक्टर है, वो आज सेशन में नहीं थी, उसने क्या मिस
कॉन्डिशन निवेदन है, पब्लिक बेनिफिट स्कॉलरशिप में बचे हुए हैं, और आज सारे युवाओं ने जो अपना सैटरडे का वीकेंड ड्रॉप करके यहाँ पे इतना समय दिया है, एक 10 से 15 मिनट और खत्म करके और हम लोग इस सेशन को बहुत ही इंसाइटफुल वे में एंड कर रहे हैं। सभी को जय हिंद, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम निरंजन जी को कि आपने कागर में सदर का काम किया है। मेरे ख्याल से 5 घंटे का सेमिनार है और आपने 1.5 घंटे में उसको मजबूत कर लिया, और उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे और सबको मेंशन किया यहाँ पे योजनाओं के बारे में, मुझे बोलने के लिए निवेदन किया गया है। मैं आप जरूर गया हूँ, कल 9:15 बजे अगर बोलना शुरू करें तो उसमें पाप लगता है। आप लोगों को सभी को जल्दी है, मैं जो आपने सबने बताई कुछ योजनाएं उसमें शिवराज जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप काफी एक्टिव हैं माइनॉरिटीज में, तो यहाँ पर लेकर जो जैन लोग आए हैं उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। और हमारे कटेगा साहब बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, आप भी बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रेजी जी साहब हैं, जिनेश्वर जी हैं, पीयू जी हैं, तो ये जो कार्य कर रहे हैं सनोज जी माइनॉरिटी फेडरेशन का काम करते हैं, तो हम सब लोगों को जो इंडियन रजिस्ट्रेशन कराना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है माइनॉरिटी रजिस्ट्रेशन कराना। आप माइनॉरिटी में हो आपको शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आपका बिजनेस चालू हो गया है, आप गाड़ी पढ़ने पे चल रही है, पर जो आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे जो आने वाले हैं अगर उनको माइनॉरिटी का फायदा चाहिए तो आपको माइनॉरिटी का पूरे परिवार का सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। सभी को जय हिंद, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम निरंजन जी को कि आपने कागर में सदर का काम किया है। मेरे ख्याल से 5 घंटे का सेमिनार है और आपने 1.5 घंटे में उसको दूर कर लिया, और उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे और यहाँ पे योजनाओं के बारे में मुझे बोलने के लिए निवेदन किया गया है, मैं आप जरूर गया हूँ, कल 9:15 बजे अगर बोलना शुरू करें तो उसमें पाप लगता है। आप लोगों को सभी को जल्दी है, मैं जो आपने सदन बताई कुछ योजनाएं उसमें शिवराज जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप काफी एक्टिव हैं माइनॉरिटीज में, तो यहाँ पर लेकर जो जेल लोग आए हैं उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। और हमारे कटेगा साहब बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, आप भी बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी जी साहब हैं, जिनेश्वर जी हैं, पीयू जी हैं, तो ये जो कार्य कर रहे हैं सनोज जी माइनॉरिटी फेडरेशन का काम करते हैं, तो हम सब लोगों को जो उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है माइनॉरिटी रजिस्ट्रेशन कराना। आप माइनॉरिटी में हो आपको शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आपका बिजनेस चालू हो गया है, आप गाड़ी पढ़ने पे चल रहे हैं, पर जो आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे जो आने वाले हैं अगर उनको माइनॉरिटी का फायदा चाहिए तो आपको माइनॉरिटी का पूरे परिवार का सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। और उसके लिए मैंने जो आपको नाम लिए हैं आप इन सबके पास किसी के पास भी जाएंगे आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन से इम्पोर्टेंट है हमारा माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। क्यों है, किस महीने में आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप आज भारतीय हैं, आपको कोई विशेष लोन की आवश्यकता नहीं है माइनॉरिटी सेक्टर में, पर पढ़ो परदेश स्कीम ये गवर्नमेंट की स्कीम है। माइनॉरिटी सेक्टर में यदि आपका बच्चा बाहर पढ़ने जाता है आप 30 से 50 लाख रुपए मिनिमम खर्च होता है, US जाए, कनाडा जाए, UK जाए, कहीं भी जाए, उस केस में 1 साल का फर्स्ट ईयर का उसको पूरा पूरा ब्याज नहीं लगता है, फिर उसको उसकी सब्सिडी मिलती है, वो लगभग 4 से 8 लाख के बीच में हो सकता है वो इंटरेस्ट की सब्सिडी आपको मिलती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि माइनॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराएं। उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के जो सबसे पहले बताए हैं उसमें एक समाधान योजना है, लगभग जो व्यापारी वर्ग हमारे बैठा है उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो समाधान योजना दी गई है 45 डेज के अंदर आपको पैसा मिलेगा। मान लीजिए मैं स्कीम में छोटे से बुद्धि को लेता हूँ, मेरा एक एग्रीमेंट है और मैंने जिन इंसान को कोई माल बेच दिया और राइटिंग में एग्रीमेंट किया कि 120 दिन में पेमेंट दे दीजिएगा, आपसे एग्रीमेंट हुआ कि 120 दिन में पेमेंट दे देना, तो अब क्या होगा उसके ऊपर भी प्रिवेल करती समाधान योजना। चाहे आप उससे एग्रीमेंट कर लीजिए 120 दिन का, रिलायंस कर ले, कोई भी कर ले, पर 45 दिन का अगर सरकार ने नियम दिया है तो उस नियम से ऊपर कुछ भी नहीं है, आप 45 दिन के अंदर उससे पैसे डिमांड कर सकते हैं और उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। यदि वो नहीं करता है तो जो RBI का बैंक इंटरेस्ट रेट है, जो कार्ड रेट है, उससे 3 गुना ब्याज उसको वापस देना होगा, आपको 3 गुना ब्याज के साथ देना पड़ेगा, 3 times ऑफ द कार्ड रेट ऑफ RBI आपको लोन की वापसी, सॉरी जो पैसा आपने जो माल बेचा है उसका पैसा आपको वापस मिलेगा।
तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन उसमें कंपल सके एज वेल एज जब भी हम किसी को माल भेजे तो उसका एक ऑर्डर फॉर्म हमारे पास होना चाहिए और एक इनवाइस हमने उसको भेजा हो, ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। यदि आपने कोई कैश में माल भेजा है तो वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा। जहाँ तक मुद्रा लोन की बात है, इसमें सर आपने बहुत अच्छी बात बताई और मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मुद्रा लोन आपका अधिकार है, आप लोन मांगने नहीं गए हैं वो आपका अधिकार है। मुद्रा लोन के अंदर यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाते हैं और कोई बैंकर यदि आपसे कोलेटरल मांगता है तो उससे सिर्फ इतना सा निवेदन दीजिए कि सर जो भी आपको चाहिए राइटिंग में दे दो, आप सिर्फ राइटिंग में दे दो, वो कोलेटरल डिमांड कर ही नहीं सकता, उसको लोन सैंक्शन करना पड़ेगा। दूसरा स्टैंड अप इंडिया के अंदर जो आपका लोन है, कई बार हम लोन एप्लीकेशन लगाते हैं और वो हमारे लोन एप्लीकेशन का ऐसा है कि दो जोड़ी चप्पल भी साथ में लगनी पड़ती है क्योंकि वो चप्पल घिसने वाली है। लोन के एप्लीकेशन का दो जोड़ी चप्पल में ऊपर चलिए क्यों, क्योंकि वो घिसने वाली है, अब घिसने की जरूरत नहीं है। स्टैंड अप इंडिया के अंदर यदि आपने एप्लीकेशन लगा दी है सिंपल सी बात है, आप उससे डिमांड कीजिए, आरटी लगा दीजिए बैंक के ऊपर कि आपने इस साल में स्टैंड अप इंडिया में कितने लोन सैंक्शन किए हैं। अगर उसने सैंक्शन नहीं किए हैं तो वो इमीडिएटली अगले 5 दिन में आपकी सैंक्शन कर देगा क्योंकि उसको पता है ये व्यक्ति को जानकारी है। हमारे यहाँ समस्या जानकारी की है और कोई समस्या नहीं है, उनको लोन किसी न किसी को देना है और बैंक का खुद का पैसा तो है नहीं, गवर्नमेंट ने पैसा उसको दे रखा, जैसे कि टीसी का लोन मिला, कोविड के लोन मिले थे 20% और उसके बाद 10% डिसीजन, तो बैंक ने थोड़ी दिया पैसा, ये सारा पैसा दिया है सरकार, इसलिए यहाँ पर शर्माने की बात नहीं है, हमें 100% मिलेगा इसके अंदर लोन मिलेगा। दूसरा सर ने जो हॉस्पिटल सब्सिडी के बारे में बताया उसमें एडिशन करना चाहता हूँ, हॉस्पिटल स्टैंड अलोन लिमिटेड अगर उसके अंदर कोई डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, कोई क्लिनिक भी सेटअप होता है, उन सब सेटअप के लिए NCGTC एक जैसे CGTC नहीं है ऐसी NCGTC है, उसके अंदर विदाउट कोलेटरल आपको लोन मिलेगा। अगर आप 10 करोड़ का अस्पताल में डालेंगे तो 10 करोड़ का लोन आपको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। और उसमें यदि धार डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें या झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, अलीराजपुर, बड़वानी इन डिस्ट्रिक्ट में डालते हैं तो 50% की सब्सिडी 5-5 करोड़ की है। मंदसौर, नीमच इन सब एरिया में डालेंगे तो 4 करोड़ मतलब 40% की है और इंदौर के अंदर डालते हैं तो 30% की है। 30 बेड मिनिमम होने चाहिए उसके अंदर, ये कंपल्सरी है मल्टी स्पेशलिटी के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी लोग फूड प्रोसेसिंग के लिए काम करते हैं उसमें AMI की सब्सिडी है, सिर्फ उसके अंदर एप्लीकेशन करनी पड़ती है, उसके अंदर कोई सैंक्शन वैक्शन की वेट नहीं करना है, कहीं डिपार्टमेंट में जाना है। 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलती है और आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो MSME के अंदर 2% का इंटरेस्ट सब्वेंशन है, उसको क्लेम करना आप ना भूलें, वो आपको क्लेम मिलेगा। मकान यदि आप खरीद रहे हैं तो उसके अंदर भी योजनाएं हैं, उसके अंदर भी इंटरेस्ट, क्योंकि समय काफी हो गया, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं प्रेजेंटेशन भी नहीं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सर एक NSIC डिपार्टमेंट बताया, वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, उसमें जाके मिलिए और वहाँ पर मिश्रा मिलेंगे इंदौर के अंदर, गुरु ग्राउंड में इनके ऑफिस है। आप जो भी आयरन स्टील खरीदना चाहते हैं, एल्यूमिनियम खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, आपको 90 दिन और 120 दिन के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे आपको दिया जाता है, उसमें ब्याज जो है कंपाउंडिंग नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है, एक सबसे बैंक गारंटी आपको देगी और आपको सेल या और जो बड़ी कंपनी है किसी से भी आपको माल खरीदना है वो माल खरीद सकते हैं आप। उसमें मिनिमम बल्क क्वांटिटी जो होती है वो मिनिमम बल्क क्वांटिटी आपको लेनी जरूरत नहीं, क्या MSME में NSIC आपको वो फैसिलिटेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था। साथ ही साथ ये जो PMEGP है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त बैठे मेरे यहाँ पे, उनमें चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम हम बात करते हैं, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम तो हम सब्सिडी दिलाने की बात करते हैं, तो सब्सिडी ले लीजिए। यदि आप ऑफिस डालते हैं तो PMEGP योजना के तहत आपको सब्सिडी मिलती है, तो सबसे पहले खुद सब्सिडी लीजिए फिर बाद में दूसरों को दिलाने की बात कीजिए। जितने हमारे पास दुकानदार हैं या और भी लोग हैं उनके सबके लिए PMEGP स्कीम के अंदर सब्सिडी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सब्सिडी मिलती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने ICAI का एज अ मैनेजमेंट कमेटी मेंबर ज्वाइन किया था आज से 4 साल पहले और हमने योजना ये चालू की थी। अभी ICAI की वेबसाइट पे भी आप देखेंगे ये सारी डिटेल डली हुई है। अभी तक लगभग 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट इंदौर के ऐसे हैं जो सब्सिडी इसके तहत ले चुके हैं, उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं सर, इनकम क्राइटेरिया के अंदर आप नया हैं तो आपको जरूर उसके अंदर सब्सिडी मिलेगी। तो जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट
क्रांति योजना के अंदर किसी भी तरह का बोनस दीजिए आप, 3% की मध्य प्रदेश में सब्सिडी है। दूसरा जो एमएसएमई की योजना बताई गई आपके द्वारा, उसमें जो पैकेज आपने बताया उसमें 10 करोड़ तक के जो प्रपोजल्स हैं वो इंदौर लेवल पे या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व होंगे और उसकी एप्लीकेशन लगा करके 4 साल के अंदर 10% की आपको सब्सिडी मिलती है 40% की किसी भी उद्योग को लगाने में, किसी भी उद्योग को लगाने पे। और 10 करोड़ से ऊपर पैनल कृषि में लग रहा था तो उसकी उसमें भी आपको 40% सब्सिडी मिलेगी और वो 7 सालों तक मिलेगी, 40% डिवाइड बाय 7 ईयर्स वो 4 साल में मिल जाएगा, 7 साल में मिलेगी। किसी भी समय 6 महीने के प्लांट बंद नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। ये नई मंडी की भी है, एक्सपेंशन के लिए भी है। एक्सपेंशन के लिए 2021 की नई योजना आ गई है जिसमें मिनिमम कुछ क्राइटेरिया दिए हैं कि आपको माइक्रोवेल को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, माइक्रोवेल को कितना करना पड़ेगा स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए। सो वो कुछ क्राइटेरिया 2021 की योजना में, अभी तक की योजना के लिए सिर्फ आपको एक्सपेंशन देना है आपको 30% का। तो ये विशेष जानकारी मैं चाहता था कि ऐड करना चाहूँगा, अदरवाइज सबने बहुत समय दिया हमारा, ये बहुत अच्छा है सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष। अब यदि कोई आपके प्रश्न है तो जी सर, समझते हैं तब काफी समय निकल चुका होता है और फिर वो हताश हो जाते हैं।